करती हूँ। थैंक यू, गुड इवनिंग। नई दिशा में मैं संपा एस आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ। आप अपनी कीमती टाइम देके हमारे साथ जुड़े रहते, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। हम हर दिन एक नया टॉपिक के साथ, नया प्रेजेंटर के साथ हाजिर होते, कुछ सीखने कुछ सिखाने के लिए। ये हमारा नई दिशा का प्लेटफॉर्म है और इसका क्रिएटर डॉक्टर युधिष मोदी। एक्चुअली मुझे लेट बोलना पसंद नहीं, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी। तो डॉक्टर युधिष मोदी ने हमें इस प्लेटफॉर्म को गिफ्ट दिया है, जो हमें हमारा जो पर्सनालिटी है वो दिन प्रतिदिन हमें कुछ डेवलप करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी कंपनी में आ गए हैं, जो बहुत बड़ा आईटी कंपनी। तो यही पे हमारा कैरेक्टर ही हमारा सब कुछ है, तो हम कैसे बोले कैसे चले, इसके लिए मोदी डॉक्टर मोदी जी ने यही सोचा। जो नहीं, हम मेरा छाए में जो ही रहेगा उनका पर्सनालिटी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, ताकि आगे जाके कभी प्रॉब्लम ना हो जिंदगी में, क्योंकि हम बहुत बड़ी दुनिया में कदम रख चुके हैं, ऑन पैसिव की दुनिया। तो इसलिए हम मंडे टू फ्राइडे एक नया कोशिश में लगे रहते। आज हम एक नया टॉपिक के साथ आए हैं, जो एक कोशिश, सपनों की उड़ान और नई दिशा की तरफ। हम नई दिशा की तरफ जा रहे, नई दिशा हमारा जो इतना प्यारा प्लेटफॉर्म का नाम मोदी जी ने ही दिया होगा, दिया है। तो हमारा लक्ष्य यही है, हमारा जिंदगी का एम भी यही है, जो हम आगे बढ़े। तो मैं आज, हमारा जो प्रेजेंटर है वो डॉक्टर बिकाश श्रीवास्तव, डॉक्टर बिकाश श्रीवास्तव, वो वैसे डॉक्टर नहीं, डॉक्टर उन्होंने अपना काबिलियत से कमाया, तो समझ सकते हैं जो बहुत ही अच्छा, जो एक लेक्चरर, टीचर, एक प्रिंसिपल, जो बहुत ही अच्छा हमारा नई दिशा की बहुत बड़ा एक नींव, जो बोलते हैं ना हम पिलर, हमारे इंडिया शाइन जी बोलती है पिलर, तो बहुत बड़ा पिलर। और लोग बोलते हैं बट वृक्ष की तरह, क्योंकि उनकी छत्र छाया में बहुत सारे फाउंडर हैं। तो उनकी बातें बताए हुए रास्ते पे चल रहे और आगे बढ़ रहे, और आगे बढ़ के भूल भी जाते हैं, तो ऐसे कोई बात, लेकिन वो सबको माफ कर देते हैं। तो ऐसा एक खासियत है हमारा डॉक्टर बिकाश श्रीवास्तव जी। तो उनको बुलाने से पहले मैं शाइन जी को बुलाना चाहूंगी, क्योंकि आप सब जानते हो अभी रोजा का महीना चल रहा है, तो वो बिजी रहती है, इसके लिए मैं उनको थोड़ी देर के लिए बुलाना चाहूंगी। अगर शाइन जी अवेलेबल हो तो आइए, 2 मिनट बात करें। यस, चंपा मैम, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सभी अटेंडीज, स्पीकर्स, और जितने भी हमारे यहाँ पर नए लोग हैं, सभी का आज नई दिशा में बहुत बहुत वेलकम है। बिल्कुल सही कहा चंपा मैम ने कि मेरा फास्ट है, मैंने अभी ओपन खोल लिया है रोजा अपना, लेकिन फिर मैंने कहा 2 मिनट की मैं बात करूंगी। दोस्तों, आज का टॉपिक हमने बहुत ही डिफरेंट लिया है, अगर आपने देखा तो कुछ अलग सा टॉपिक है ना। तो ये कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम यहाँ पर टॉपिक लेकर के आए हैं ना, कुछ और, यहाँ पर सिर्फ हमने एक बात की है, एक कोशिश सपनों की उड़ान की। तो जस्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा जो हमारा ये नई दिशा है ना, इसके बारे में। वैसे तो हमारे आज के प्रेजेंटर विकास सर है, सो सॉरी विकास सर, मैंने आपसे पहले टाइम ले लिया, बिकॉज ऑफ मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर लोगों को बताऊं कि ये जो हमारा नई दिशा है, इसकी शुरुआत क्या हुई, मतलब जस्ट अ ब्रीफ, बहुत लंबा नहीं, जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन नई दिशा का। तो स्टार्टिंग दोस्तों हम लोगों ने की थी मार्च 2023 से, हम नई दिशा की बात कर रहे हैं। ओके, तो जो जैसे भी संपा मैम ने कहा, तो मोदी सर इज द क्रिएटर एट दैट टाइम, उन्होंने ही इसको, ग्रुप को क्रिएट किया, नई दिशा के प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया। तो हम लोगों की जो ये एक कोशिश सपनों की उड़ान की थी, ये उड़ान क्या है,
हमें ऊपर जाना है, जैसे भी संपा मैम ने भी बोला ना कि हम एक ऐसे बिजनेस में आ गए जहां पर हम लोगों को बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी दुनिया में आ गए, तो वहां पर आने के लिए बड़ी बड़े लोगों के बीच में बैठने के लिए तो हमारा स्टाइल भी वैसा ही होना चाहिए ना। तो बहुत ही डिफरेंट नाम है नई दिशा, बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा लगा जब ये नाम हमने सुना मोदी सर के मुंह से। मोदी सर हमेशा, मैंने पहले ही बताया, मोदी सर हमेशा कहते थे कि मैं जो हूँ सिर्फ मोटिवेशन दे सकता हूँ, क्योंकि हमारे इतने सारे प्लेटफॉर्म है, सब जगह सारी बातें होती हैं, सेशंस होते हैं, टेक्निकल सेशंस होते हैं, अपडेट सेशंस होते हैं, बट नई दिशा इज टोटली डिफरेंट। उससे पहले आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा और बताऊं कि मोदी सर ने हम लोगों के साथ जब एक शुरुआत की थी 2021 में दिसंबर से हम लोगों ने शुरू किया था डेडिकेटर्स। तो डेडिकेटर्स मीन्स जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड थे और पैसिव के लिए। तो हम करीब 10 लोगों ने शुरुआत की और 10 में से अभी हम दो ही लोग रह गए हैं, मैं और सरवानंद जी। बाकी जो 8 लोग थे वो कहाँ चले गए, आए और चले गए। देखिए सब अपने अपने आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको कहाँ तक लेकर आती है ये आज आप लोग देख पा रहे हैं। तो जस्ट मेरे बताने का मतलब ये है, देखिए डेडिकेटर्स एंड नई दिशा दोनों ही नाम डॉक्टर जी मोदी ने हमें दिए। हमने अपना पूरा डेडिकेशन दिया, पूरा रात दिन मेहनत किया और वही मेहनत हमें हैदराबाद तक भी लेकर के गई। उसके लिए भी मैं थैंक कहूंगी डॉक्टर जीत मोदी को कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और हमें एक सपोर्ट भी रहा उनका। सपोर्ट इन सेंस जस्ट उन्होंने हमें हर जगह आगे भी रखा कि हर जगह भी हमारा नई दिशा है, हम लोगों के साथ इतने स्ट्रॉन्ग लीडर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो सर्वानंद जी हो, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो विकास सर हो, और भी हमारे साथ काफी सारे लोग थे लेकिन वो अब जा चुके हैं यहाँ से। तो बहुत एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म, हम नई दिशा की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म हमें मिला। तो रियली थैंक्स टू डॉक्टर जीत मोदी कि वो हमें ये दे गए, कुछ बहुत सारी खट्टी मीठी यादें भी दे गए वो हमें नई दिशा के साथ साथ, और आज भी वो हमारे बीच में है, हमारे दिलों में है, हमारी बातों में है, हमारी यादों में है। इनफैक्ट जैसे सभी लोग कहते हैं हम उनके अंडर में ही है, अभी भी उनके बताए हुए नक्शे कदम पर है, जो उन्होंने माइलस्टोन क्रिएट किया हमारे लिए, तो बेसिकली हम आज उस पर चल रहे हैं। तो नई दिशा जो है हर दिन एक न्यू स्किल्स डेवलप करने के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम स्टार्ट किया डॉक्टर जी मोदी ने कि हम कुछ हटके करेंगे। कहते ना जैसे संभव मैम बोलती है, कुछ काम करो ऐसा कि दुनिया, क्या संपा मैम जो बोलती है कि आपकी तरह बनना चाहे। तो बिल्कुल आज जब हमने ये नई दिशा शुरू किया 2023 में दोस्तों, तो उसके बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशन होने लगे। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ सभी जगह जैसे मैंने बोला टेक्निकल सेशन एंड अपडेट सेशन लाइक दिस इस तरह से होते थे, लेकिन हमें जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट का देखा तो हमने देखा अदर जितने भी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, चाहे वो टीम टाइगर हो, चाहे वो नई टीम चैंपियन हो, चाहे वो अदर प्लेटफॉर्म हो, तो सभी जगह इस तरह के टॉपिक्स आए, तो हमें अच्छा लगने लगा। हमें ऐसा लगा कि हमने वाकई कुछ हटके किया है कि लोग हमें देख के ये चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं ना तो लोग आपको नोटिस करते हैं और वो भी कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ इनकी तरह अच्छा करने की कोशिश करें। तो हमें बताने का मतलब यहाँ पर सारी बातें ये है कि वे टू परफेक्शन, नई दिशा इज द वे टू परफेक्शन। आपको परफेक्ट बनाने के लिए जो है नई दिशा को हमने स्टार्ट कर रखा है मोदी सर के अंडर में। कह लीजिए अभी भी, मतलब वही जो कल गायत्री मैम भी हमारी कह रही थी कि वो चाहती थी उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि नई दिशा में आकर के वो अपनी बात को रख पाती हैं, अपने जो उनका जो भी उनका व्यू था उस टाइम, जैसे उन्होंने कल भी कहा पहले भी कहा, तो बहुत अच्छा लगता है जब गायत्री मैम ये बात कहती है या यशोदा मैम कहती है कि नई दिशा तो मेरी जान है। तो एक दिन मैंने उनको बोला आप नई दिशा में आए नहीं मैम, आप क्या नाराज हो हमसे? बोलती लॉरी शाइन मैम आपने ऐसा सोच कैसे लिया, नई दिशा तो मेरी जान। तो मुझे इतना प्राउड फील हुआ उस टाइम कि चलो आज मोदी सर नहीं भी हैं तो हमने एटलीस्ट एक जगह बनाई है लोगों के दिलों में कि लोग आज हमारे साथ इस नई दिशा प्लेटफॉर्म से जुड़े। और जब हम बात सोचते हैं ना थिंक बिग ड्रीम बिग, तो आप सोचिए जब ये वाली बात आती है तो जब थिंक बिग हमने एक बार करना शुरू कर दिया, सोचने शुरू कर दिया, बड़ा बड़ा सपने देखने शुरू कर दिए, तो क्या उन्हें पूरा करने के लिए हमें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और वही संपा मैम वाली बात, आप आ गए हैं इस बिग यूनिवर्स में कह लीजिए, क्योंकि अभी मैं स्ट्रेस में कह दिया ना मैं सब कुछ यहाँ पर चेंज करने वाला हूँ, तो अपने अंदर ऐसी चीजें लेकर के आनी है दोस्तों इस नई दिशा के माध्यम से। वे टू परफेक्शन, विजन और मिशन की बात तो हम सुनते ही हैं, बहुत अच्छा हमारे विकास सर बताते हैं, लेकिन उनके साथ साथ दोस्तों हमें साथ में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए हमने बहुत सारे टॉपिक किए, जैसे कि एटीट्यूड, स्मार्ट थिंकिंग, टेक इनिशिएटिव, नो एक्सक्यूज, ओनली रिजल्ट, या फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, या फिर बहुत सारे सक्सेसफुल हैबिट। तो उसके अलावा भी हमने इतने सारे किए, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल। तो ये सब बताने का मतलब ये कि देखिए इतने टॉपिक्स के बाद आज आप हमें देख भी रहे होंगे, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, चाहे वो संपा मैम हो, सर्वानंद जी हो, विकास सर हो,
हमारी गायत्री मैम है या फिर हमारे नई दिशा फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, मैं सभी को थैंक्स कहूंगी। इतना सपोर्ट, इतना प्यार आप लोगों ने दिया कि हम आगे तक बढ़ पा रहे हैं, और हम चाहते हैं हम ऐसे ही चलते रहे, लगातार आगे बढ़ते रहे आप लोगों के साथ के साथ। वो तो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो बिल्कुल नई दिशा के बारे में मैं इतना जरूर कहूंगी, आई लव नई दिशा। मेरी हमेशा कोशिश रहेगी मैं हर दिन आप लोगों के साथ नए नए टॉपिक लेकर के आऊँ, और मतलब ये हमारे लिए कहते हैं ना गुरु दक्षिणा, तो वो एक तरह से मोदी सर के लिए ये हमारी गुरु दक्षिणा है कि उन्होंने हमें ये सिखाया और आज हम उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आज वो भी हमें ऊपर से देख रहे होंगे तो कितने खुश हो रहे होंगे कि मेरा बताया हुआ प्लेटफॉर्म, मेरा चलाया हुआ प्लेटफॉर्म, जहां मैं नहीं भी हूँ तो भी आज उनका नाम लिया जा रहा है। वरना दो चार दिन में दोस्तों क्या होता है, आज चले जाते हैं आपका नाम भी, हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने में धीरे धीरे आपका नाम भी चला जाता है। लेकिन काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, एक पहचान बन जाए, और वो अपनी एक पहचान बना करके गए नई दिशा में, तो उनका नाम मुझे लगता है फॉरएवर चलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच संपा मैम, ओवर टू यू प्लीज। मैं इतना ही कहना चाह रही थी, थैंक यू सो मच। थैंक यू शान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही है। और आप सबको मैं बता दू, हमारी नई दिशा की चीनी शाइन हसन, जो सपा मोदी जी का शायद आत्मा इसमें बस गया है, और मोदी जी की तरह ही वो सोचती है और बोलते भी है, और सबको साथ में लेके चलना चाहती है। तो वही बात है जो मैं, मेरी जो वर्ड उन्होंने कहना चाहते थे वही मैं वही बोलती हूँ, जो कुछ कर दिखाए ऐसा जो दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो हमारे मोदी जी भी कुछ ऐसे कर दिखा के गए हैं जो हम सब उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके नक्शे कदम पे चल रहा है। तो बहुत अच्छा लगा शाइन जी, थैंक यू। अभी आप थोड़ी रेस्ट ले और अपना इफ्तार कर ले, तो थैंक यू। अभी मैं हमारा जो प्रेजेंटर है मिस्टर विकास श्रीवास्तव, मैं उनको बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम विकास श्रीवास्तव जी। ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम, आपने मुझे इतने रिस्पेक्टिव वे में बुलाया। और चूंकि आज नई दिशा का जो सेशंस है, कुछ बिल्कुल डेफिनेटली आज हम कहीं ना कहीं उन बातों को नहीं एड ऑन करना चाहेंगे जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स की बात होती है। ये सभी हम लोग करते आए हैं, और डेफिनेटली आज ये नई दिशा ये क्यों जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं उपस्थित सभी लोगों को, जितने भी आज होस्ट हैं और को होस्ट हैं या जो भी अटेंडीज हैं, स्पीकर्स हैं या यूट्यूब के माध्यम से सेशन को बाद में देखेंगे, मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। डेफिनेटली धन्यवाद की बात की जाए, आभार की बात की जाए, तो निश्चित रूप से बैकएंड पे मिस्टर सरवन केएल जी का, साहिन हसन जी का और संपा सरकार जी का बहुत अग्रणी रूप से धन्यवाद और आभार जाता है कि जिनके एक एफर्ट से, जिनके एक सहयोग से, एक समर्थन से ये नई दिशा का सेशन से कंडक्ट हो पाता है, और उस पे जो एक आवश्यक मूलभूत बातें होती हैं, सार्थक बातें होती हैं, तब हम यहाँ पर रोज 6:30 पर सेशंस को सुचारू रूप से कर पाते हैं। उपस्थित सभी लोगों का एक बार पुनः आभार है, और नई दिशा में जितने भी परिवार के लोग हैं मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और डेफिनेटली जो अभी साहिन जी ने अभी जो अपने वक्तव्य दिए थे उन्हीं बातों से को ही एड ऑन करके, यद्यपि मेरे कुछ मन की बातें उन्होंने कही हैं और मैं उनकी बातों सहमत हूं, लेकिन उन्हीं बातों को मैं एड ऑन करते हुए अपनी बात को यहां पर एज ए प्रेजेंटेशन के रूप में दूंगा। और नई दिशा क्यों जरूरी है ये प्लेटफॉर्म, या हमारे जीवन में प्लेटफॉर्म का क्या महत्व है, और ये सब बातें जरूर मैं कुछ अपने से रिलेट करके यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। एक बात हमें जो खास बना सकती है या लोगों से अलग बना सकती है कि हम यह जानने की कोशिश करें कि व्हाई वी आर इन दिस वर्ल्ड, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है, अपनी जिंदगी का कोई अगर मकसद अगर हम या कोई भी इंसान तलाश लेता है तो वो अपने जीवन को सार्थक करता है, और जो सार्थक करता है वो इस दुनिया से कभी नहीं जाता है। शरीर मिट जाता है लेकिन वो इस दुनिया से कभी नहीं जाता, और वो लोगों के दिलों में जज्बा बनके, जज्बात बनके, प्रेरणा बनके, याद बनके हमेशा इस दुनिया में अपने लिए जगह बना लेता है। तो ये बातें मैं निश्चित ही इस मंच से भरे सम्मान से डॉक्टर रिदीस मोदी जी को जरूर संबोधित करना चाहूंगा कि
बिल्कुल ऐसे प्रयास करने चाहिए कि कहीं ना कहीं जो हमारे जीने में तो हमें ये लोग याद करते, लेकिन हमारे जाने के बाद ये लोग याद कर सके। तो ऐसा ही कुछ प्रयास उनका रहा मोदी जी का इस नई दिशा को मंच को संचालन करने के लिए। और मैं बहुत बहुत इस बात के लिए जरूर धन्यवाद दूंगा कि उनकी एक मेंटोरशिप में या उनकी हमें जो ब्लेसिंग मिली है जिससे मैं कुछ साहस कर पाया। तो निश्चित है ये अग्रणी रूप से हमेशा मोदी सर को मेरे लिए हमेशा मैं उनका इस आभार और धन्यवाद दिल से जरूर करता रहूंगा। इस मंच के माध्यम से जब भी यहाँ पर उपस्थित रहूंगा जरूर करूंगा। यहाँ पर श्रवण केएल जी है मुझे नई दिशा में एक इंट्रोड्यूस कराने के लिए, एक पहचान दिलाने के लिए। उनका एक बहुत बड़ा एक मेरे ऊपर एक मैं तो ये कहूंगा कि बहुत बड़ा एक कृपा सी रही है कि हाँ उन्होंने एक इस मंच में मुझे इंट्रोड्यूस कराया। और जहाँ पर मैं ऑन पैसिव के विजन को एक सार्थक वे में उसको बढ़ा पाया, आगे बढ़ा पाया, जहाँ पर मुझे साहिन हसन जी मिली, जो संपत सरकार जी मिली, इन सबका एक जो सहयोग था, इन सबका जो सजेशन था मेरे लिए या मेरे प्रति जो एक करेक्शन था। ये देखिए करेक्शन ही बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जब इंसान को आगे बढ़ा लेती हैं। और कहा भी है हम नई दिशा के सेशंस के माध्यम से बहुत सारी ऐसी बातें कर चुके हैं कि ये उन लोगों के अगर सक्सेस चाहिए तो उन लोगों के साथ संगत करो जो जो सक्सेस के प्रति जिनके अंदर भूख है, जो ड्रीम्स की बात करते हैं, जो रीजंस की बात करते हैं, जो सच्चाई की बात करते हैं, जो ऑनेस्टी की बात करते हैं, जो ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं, उन लोगों के साथ रहो। तो ऐसा ही कुछ नई दिशा के परिवार में सभी लोगों के सानिध्य में मुझे मिला। तो मैं बहुत ही अपने आप को बड़ा ही कृतज्ञ समझता हूँ कि एक नई दिशा प्लेटफॉर्म जो मिला मुझे। एक बात जिंदगी में बहुत मैं पहले समझ में आ गई थी कि जिंदगी के अंदर 97% लोग शिकायतों के साथ या ब्लेम करने के साथ अपनी जिंदगी को समाप्त कर देते हैं। और जबकि कोशिश देखा जाए तो 100% लोग करते हैं, लेकिन 97% लोग ही जो कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं और सफल नहीं होते हैं। लेकिन हम आप जरूर देखते हैं कि हर एक फील्ड में, कोई सा भी फील्ड हो, वहां पर 2% 3% या मैक्सिमम 4% लोग ऐसे होते हैं उस काम के अंदर हार नहीं मानते और कामयाब हो जाती हैं। आप दुनिया में जिस इंसान को भी, जिसकी भी आप बात कर लो, जिसको भी आप जानते हो या जिसको भी देखकर आपको लगता है कि ये इंसान दुनिया का सफल इंसान है, आप उसकी जब बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप उसको क्यों जानते हो। उसको आप इसलिए जानते हो उसके काम की वजह से। आपके दिमाग में उसके काम का जिक्र आ जाता है, आपके मुंह में उसकी मिसाल आ जाती है। जिंदगी के अंदर जब कोई व्यक्ति किसी काम को प्रोफेशनल तरीके से करने का फैसला करता है तो उसके काम को काम करने की जो अप्रोच है वो बाकी लोगों से अलग बना देती है। एक लाइन मैंने कहीं किताब में पढ़ी थी कि जिसने मुझे बहुत बड़ा एक सबक सिखाया, जीवन का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया कि जीवन के अंदर आप क्या बन सकते हैं और क्या हासिल कर सकते हैं। कुछ उसमें फार्मूलेस थे, कुछ ऐसी बातें थी बातें वो फार्मूलेस में वहां पर जरूर कहूंगा कि वो 4 पॉइंट ऐसे थे। पहला पॉइंट था थिंक, दूसरा पॉइंट था बिलीव, तीसरा था स्क्रैच और चौथा था अचीव। थिंक, बिलीव, स्क्रैच, अचीव। जीवन में आप कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो। आप एक फ्लाइट की टिकट भी ले सकते हो, लेकिन वहीं एक व्यक्ति फ्लाइट का निर्माण भी कर रहा है, फ्लाइट को तैयार भी कर रहा है, इन्वेंशंस भी कर रहा है। लेकिन जीवन में सफलता की शुरुआत के लिए आपको कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि आपकी डेस्टिनी कहाँ है और आपको क्या कहाँ जाना है। आपको भरोसा करना होगा। अगर आप ये दो काम, अपने काम के लिए मेहनत करने के लिए, सीखने के लिए पैसिनेट होके कर लेते हैं तो सक्सेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो आप पा लेते हैं। और ये तीनों काम अगर आप एलॉयमेंट के साथ कर लेते हैं तो आपको वह सब हासिल हो जाता है जो आप हासिल करना चाहती हैं। आज इस सेशंस की मैं सारे लोगों को संबोधित करते हुए, सेशंस के को जो बाद में जब यूट्यूब के माध्यम से लोग देखेंगे, मैं सभी लोगों को एक संबोधित जरूर एक मैसेज देना चाहूंगा कि लोग जो है ना किस्मत से ना अमीर बनते हैं ना किसी की दया से। जबकि वो अमीर बनते हैं या अमीर से ऐसे सफल बनते हैं या कामयाब बनते हैं, वो जिस दिन जाने अनजाने अपने सोचने पर वो फैसला कर लेते हैं, अपनी सोच को वो डेवलप करते हैं। तो सोचना पड़ेगा कि ये सक्सेसफुल लोग जिन्हें हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं या
उनसे प्रेरणा लेते हैं। और कहीं ना कहीं डेफिनेटली अगर बात की जाए, अगर इनके बारे में हम समझते हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक सोच को जन्म दिया, एक उनका एक विचार ही उनको आगे ले आया। मेरे पास भी हालात के हिसाब से जिंदगी जीने की एक अपॉर्चुनिटीज थी, जॉब था, बिजनेस था, लेकिन उनको मैंने था या है उनको मैंने सेकेंडरी रखा, क्योंकि मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता चल गई थी कि जो डिसीजन मैं आज ले रहा हूं या मैं अपनी लाइफ में जो लूंगा उससे मेरा पूरा भविष्य का निर्धारण होगा। मुझे मेरा परिवार का जो एक जो संपन्नता है या एक खुशहाली है या एक मैं संपन्न व्यक्ति के रूप में जाना जाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे लेना था। तो मैंने इस चीज को सेकेंडरी रखा और वहां पर उसी समय उस मोमेंटो पे मुझे ऑन पैसो समझ में आ गया। तो ये मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म या इस जन्म के कुछ अच्छे सार्थक कर्म या मेरे पेरेंट्स के, मेरे फैमिली के या मेरे इष्ट मित्र किसी के भी कुछ अच्छे कर्मों का जरूर ये परिणाम रहा होगा कि जो मुझे ऑन पैसो मिला और ऑन पैसो मुझे समझ में आ गया। अब सवाल ये आता है कि विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा, विजन आपको क्लियर करना ही होगा, तभी तो आपके अंदर वो सोच डेवलप होगी। लेकिन जब आप इन सब चीजों की शुरुआत करेंगे तो आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी। प्लेटफॉर्म क्यों, प्लेटफॉर्म की वैल्यू यहाँ पर क्यों है या प्लेटफॉर्म की जरूरत यहाँ पर क्यों पड़ेगी? माना कि आपके आसपास बहुत सारे डॉक्टर्स रहते हो, हॉस्पिटल्स हो, ठीक, लेकिन हम वहां डेली नहीं जाते, हम वहां पर इग्नोर, कभी कभी हम इग्नोर कर, हम कब जाते हैं वहां पर? जब हमें कोई आवश्यकता होती है, जब कोई हमारा करीबी बीमार पड़ता है या कोई ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, तब हमें क्या है, कहीं इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है, हमें वो हॉस्पिटल दिखता है, हमें वो डॉक्टर दिखता है। तो इसी तरह से क्या है कि हमारी लाइफ में एक प्लेटफॉर्म की वैल्यू जरूर होती है, रहनी चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि जो आपको एक दिशा और आपकी दिशा जो है तय कर देता है। तो डेफिनेटली ऑन पैसे की बात की जाए, निश्चित है कि एक सार्थक वे है, एक ऐसी एक अपॉर्चुनिटीज है जहां से हम सभी कुछ अचीव कर सकते हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन ये अचीव कैसे करेंगे? देखिए सिंपल सी बात है कि इस अचीव करने में या इस प्लेट या इस ऑन पैसे के विजन को समझने में जो एक प्लेटफॉर्म का भूमिका निभाने का एक काम करता है, तो बहुत सारे आज देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ऑन पैसे के विजन की बात की जा रही है। नई दिशा का प्लेटफॉर्म क्यों, नई दिशा का प्लेटफॉर्म क्यों? तो ये डेफिनेटली मेरी जिंदगी में, मैं अगर कहूं कि नई दिशा का प्लेटफॉर्म क्यों या नई दिशा का मेरी जिंदगी में कंट्रीब्यूट किया है, तो डेफिनेटली कि कंट्रीब्यूशन यही है कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी को अपने आने वाले भविष्य में रियल एंड ग्रैंड सक्सेस अचीव होनी है, वो वैल्यू मिलनी है, वो रिस्पेक्ट मिलनी है, और जो दुनिया के 5% लोगों के पास आज की डेट में है, तो मेरा माइंड कैसे कर सके, मैं उस सक्सेस को यूटिलाइज कर सकूं, इस दिशा में मैं सार्थक रूप से अपने कार्य को कर सकूं, मैं खुशहाल और एक संपन्न जिंदगी एक सच्चाई से जी सकूं, एक जैसा कि अभी संपा जी ने या साहिन जी ने कहा कि काम करो कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा, तो ये नई दिशा का मंच मेरे लिए बहुत सहायक है। और विश्वास मानिएगा ये नई दिशा का मंच आपके लिए भी सहायक सिद्ध होगा, बशर्ते आपको वहां पर एक थिंक करना होगा और थिंक करने के बाद अपने आप को ऑन करना होगा। तो यदि आप ऑन पैसे में अपने आप को ऑन करना चाहते हैं, इसके विजन को समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है निश्चित ही आपको अपने आप को ऑन करना पड़ेगा। जब मैंने नई दिशा ज्वाइन किया तो उसके पीछे बहुत कुछ आधार थे। मैंने एक बात समझ ली थी कि ऑन पैसे के अंदर के आने के बाद अगर आपके पास सपने हैं और उन सपने के लिए कहीं ना कहीं देखिए आपको काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है काम क्या है, काम यहाँ पर करना पड़ेगा अपने आप पर। तो जब अपने आप पर काम करना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और जब आपको दिखता है कि इसके बदले कोई भी व्यक्ति, ये एक ऐसी चीज है कि कोई भी व्यक्ति आपके अंदर काम नहीं कर पाएगा, कोई व्यक्ति आपके अंदर इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, दूसरा व्यक्ति केवल आपको सजेशंस दे देगा, लेकिन आपको अपने ऊपर काम खुद करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ये नई दिशा मंच आपके लिए निश्चित ही एक सहायता करता है, एक निश्चित ही एक अवसर के या उन बातों को समझने के लिए एक सुलभता प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म की जो कीमत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए एक अगर सक्सेस की बात की जाए तो एक तो हमारा देखिए सिंपल सी बात है, हम पार्ट हैं ऑन पैसे के, तो यहाँ तो हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। लेकिन अब प्लेटफॉर्म नई दिशा की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारी कंपनी हमें एक ऐसे अवसर देती है हमारी जिंदगी को बदलने के लिए। हमें
आप जिंदगी को बदलने के लिए अगर अवसर दे रही है तो दैट मीन्स कि आप प्लेटफॉर्म हमें गाइड करता है उस सक्सेस को अचीव करने के लिए, उस सक्सेस को आत्मसात करने के लिए। तो अगर आप सफलता के लिए पैशनेट नहीं है, प्रोफेशनल नहीं होंगे, तो आप और आपकी मेहनत डेफिनेटली, ये बिल्कुल क्लियर सा है, कुछ अटपटा ना लगे, कुछ अजीब ना लगे, कि डेफिनेटली अगर प्लेटफॉर्म के अभाव में अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, तो निश्चित ही है वो आप कितना भी वर्क कर ले और कितने भी एक अच्छी बातें हो, लेकिन वो आपकी मेहनत कहीं ना कहीं वो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 तक आकर कहीं ना कहीं वो शिथिल जरूर होने होगी। और बहुत सी जगह ऐसा पाया गया है कि वो समाप्त भी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म की ताकत निश्चित ही समझनी पड़ेगी। देखिए प्लेटफॉर्म अगर आप करेंगे तो वहां पर अभी जैसे बात चली थी डॉक्टर मोदी जी की, एक मेंटोरशिप भी मिलती है। तो मेंटोर क्या, हम सभी जानते हैं कि हर फील्ड में एक हमें मेंटोर बनाना चाहिए और वहां से हमें जो उचित दिशा निर्देशन मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए, कैसे कैसे हमें जीवन में स्टेप्स रखने पड़ते हैं जिनसे हम सक्सेस को अचीव कर पाए, हम अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग बना पाए, हम अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर पाए। तो यहाँ पर क्या, एक मेंटोर की भी जरूरत पड़ेगी। तो प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ पर आपको एक मेंटोर भी मिल जाता है, बशर्ते क्या है, आपको अपने आप पर ऑन करना चाहिए। तो डेफिनेटली यदि आप अपने आप को आज तक ऑन पैसों में अभी आपने ऑन नहीं किया है, या आपने ऑन नहीं किया है, तो निश्चित एक प्लेटफॉर्म पकड़िए। और प्लेटफॉर्म के लिए मैं तो दिल से सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए इस नई दिशा के सेशंस को अटेंड करते करते, कि मुझे विजन ऑन पैसों को समझ में आया, मेरे अंदर पॉजिटिविटी आई, मेरे अंदर निगेटिविटी कहीं आई नहीं है, मेरी मेरे अंदर वो आते हैं विकसित होने लगी जो मुझे सफल बनाती है, मुझे खुद पर विश्वास होने लगा और ये विश्वास मुझे इतना मजबूत कर गया कि मैं खुद सीखा भी और लोगों को सिखाने लायक भी बना। जीवन को मैं जो सफलता को, या जीवन में जो कुछ भी है, अगर हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी जो चाहत है, वो कैसे पाई जाती है, यहाँ से मैंने सीखी। अफर्मेशंस कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, मैंने देखा कि लॉ मैंने यहाँ इसी नई दिशा में सीखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलकर आपके पास कैसे आता है। ये सब बातें मैंने इस नई दिशा के प्लेटफॉर्म से मैंने सीखी है। और जो चाहते हो वो पा सकते हो, कैसे पा सकते हो, उसके लिए डेली यहाँ पर एक टॉपिक्स होते हैं, उन पर रोज कहीं ना कहीं एक विद्वान प्रेजेंटर या होस्ट या बहुत सारी एक टीम है एफर्ट डालती है अपने ज्ञान एवं सामर्थ्य के अनुसार, अनुभव के अनुसार। तो वहाँ उनकी बातों को समझने का एक एक आधार मिलता है। और ग्रेटिट्यूड क्या होता है, सफल ना होने का हमारी जिंदगी में असली कारण क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, ड्रीम, डिटर्मिनेशन, गोल सेटिंग, ये सब क्या है, ये सब बातें मैंने यहाँ पर सीखी। सीखने से आशय है, ऐसा नहीं कि ये सब बातें हम सभी लोगों ने पढ़ी नहीं है, जानते नहीं है या सिखाई नहीं गई है, बशर्ते क्या है कि कुछ ऐसा एक प्रोसेस ही है। एक कहते हैं ना कि एक सक्सेस की भूख आपको सब कुछ करा देती है, और ये सक्सेस की भूख अगर आपके अंदर नहीं है, विश्वास मानिए कि आप इस प्लेटफॉर्म में आते हैं तो वो सक्सेस की भूख, जीवन क्या है, जीवन के सही उद्देश्य क्या है, जीवन का सही उद्देश्य ये नहीं है कि आप बिल्कुल एक मिलीनियर हो गए, बिलीनियर, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो जीवन के सही उद्देश्य को पूर्ति करती है। तो डेफिनेटली इस नई दिशा के सेशन के माध्यम से इन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने अपने उद्देश्य पूरे कर रहे हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है, और सबसे जरूरी चीज है कि मेंटली लोग स्ट्रांग हो रहे हैं हर तरह की स्थिति के लिए। तो बहुत सारा एक कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में नई दिशा के सेशंस के माध्यम से हुआ, और मुझे बड़ा प्राउड है, मुझे प्राउड है कि मैं ऑन पैसों का पार्ट हूँ, मुझे बहुत ही प्राउड होता है कि मैं नई दिशा का पार्ट हूँ। और निश्चित है एक मैंने अपने से रिलेट करके कि नई दिशा प्लेटफॉर्म हमारे जीवन में या व्यक्तिगत मेरे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, ये मैंने बताने का प्रयास किया है। और निश्चित है आप सभी लोगों से एक अनुरोध है यहाँ पर कि सेशंस को अवॉइड ना करें यदि आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, यदि आप एक रियल एक कुछ ऐसा जीना चाहते हैं कि लोगों के सामने आप एग्जाम्पल बने, आप रोल मॉडल्स बने, तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर ऑन होइए और अपना ट्यूशन देखिए, ये सीखने सिखाने का मंच है। बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ सीखते हुए सिखाते हुए परफेक्शंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ एक पूरी एक अच्छी एक टीम है जो एक फैमिली मेंबर की तरह से आपके साथ बिहेव करती है, और निश्चित है वो आपके साथ आपकी सक्सेस की यात्रा में कदम से कदम साथ मिलाकर चलने वाली होती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों ने जो इतनी शालीनता से मुझे सुना समझा, और मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उसमें से थैंक यू थैंक यू बिकर जी, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त धुआंधार प्रेजेंटेशन था, बहुत बढ़िया, आपका सुपर पॉजिटिव प्रेजेंटेशन, जबरदस्त। इसलिए ना कहती हूँ, लोग भी कहते हैं
जो बिकर जी एक बट वृक्ष की तरह, जो और साइन जी कहती है पिलार की तरह। तो सब अगर सबको आप एक मोटिवेशनल स्पीच दे दिया सबको, ऑन पैसिव का जो हमारे नई दिशा का किस लिए जरूरी है ये भी आप बताया, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही धुआंधार। थैंक यू थैंक यू। वो कहते हैं ना अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सोनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। तो अच्छे लोगों की संगत में रहे अच्छा ही होगा जिंदगी में। बहुत जबरदस्त था आपका शेयरिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अभी मैं मम्मी आई है क्या? नहीं लगता। यशोदा जी आप आइए, आप फीडबैक दीजिए। थैंक यू संभा मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। नई दिशा फैमिली में सभी को मेरा नमस्कार, मैं यशोदा व्यास। वाओ बहुत ही ऑसम प्रेजेंटेशन रहा सर, बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहा। आप सच में बहुत ही इंस्पायर्ड पर्सन हो, हम सभी बहुत ही ज्यादा आपसे इंस्पायर्ड होते हैं। सपने तो हम आज भी देखते हैं लेकिन शायद उन्हें पूरा करने से डरते हैं। आज हम अपने सपनों को किसी पिंजरे में कैद करके भाग रहे हैं, कहाँ पता नहीं। आज शायद आज हमारी जिंदगी के मायने बदल गए हैं। सपने तो बस पागलों की उपज है, यह कहकर अक्सर हम ज्ञानी होने का दावा करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम डरने लगे हैं सपने से नहीं बल्कि उनके टूटने से। वो जुनून, वो विश्वास जो हमें कभी खुद पे था और हमारे सपनों पे था, शायद आज वो खो चुका है। हम अपने सपने भूल उन सपनों की ओर भागने लगे हैं जो दूसरे हमें दिखाते हैं। और जैसे अंधेरे में हर इंसान अंधे के समान ही होता है, बिना किसी मंजिल के, बिना किसी सपने के, हम अंधेरे में बस भटक रहे हैं। जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं होती है, कुछ करने के लिए होती है, और सपने हमें वो मकसद देते हैं। तो क्यों ना हम अपने सपनों को ढूंढ कर उन्हें एक नई जिंदगी दे और पंख फैलाकर निकल पड़े पूरा करने के लिए। सपनों की उड़ान ये हमारे हर किसी के जीवन में, इसका मतलब सपने देखना हमारा अधिकार है और उसे पूरा करना हमारा मतलब एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। सो थैंक यू संपा मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, और वंस अगेन थैंक यू सो मच विकास सर, बहुत ही ऑसम प्रेजेंटेशन रहा आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू यशोदा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। सपनों की उड़ान हम जरूर भरेंगे, वही बात है। आपके लिए यही कहना चाहूंगी, जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करना, आप ही सही बन जाओ ना, क्या पता आपको मिलके किसी को तलाश पूरी हो जाए। इसलिए जो ये सही लोग ये अच्छे हैं उसी के तलाश में हम लगे रहते हैं। ओ जिंदगी बहुत प्रॉब्लम भी देते हैं तो, लेकिन हमें क्या, मुस्कुराओ तब भी जब जिंदगी उदास होने का मौका दे। जिंदगी को भी तो मालूम चले कि हम सिर्फ थके हैं, हारे नहीं। तो थैंक यू यशोदा जी, बहुत अच्छा आपने शेयरिंग किया है, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। अगर मैं बोलना चाहूंगी आप सबसे, सबकी बात मैं सुनना चाहूंगी, सबकी बात, जो भी हमारे साथ अटेंडी स्पीकर अटेंडी जो भी है, आप अपना हैंडेस करिए और 2 मिनट की शेयरिंग जरूर देना। आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा। तो थैंक यू। अभी मैं हमारी और एक धुआधार जो नई दिशा का पिलर मिस्टर जेपी सिंह जी को बुलाना चाहूंगी, जो बुलेट ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। प्लीज वेलकम। थैंक यू संपा मैम, मेरी आवाज आ रही? यस
थैंक्स, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आप अच्छा होस्ट कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदना वंदन करता हूँ। जितने लोग आज इस नई दिशा में हैं और जो स्पीकर में हैं, चैनल पैनल पे हैं और अटेंडिंग में, सबका दिल से स्वागत है। और हम सबके चाहते इस मंच के क्रिएटर एक बड़ा उपकार जो करके गए हम लोगों के लिए, डॉक्टर जगदीश मोदी सर के लिए दिल से धन्यवाद। सरमनन सर, विकास सर, साइन मैम, संपा मैम, राकेश मिश्रा जी, शशिकांत, रेणु मैम, पारुल मैम, यशोदा मैम जी, गायत्री मैम जी, जो भी नई दिशा परिवार के सदस्य, सबका दिल से धन्यवाद, स्वागत अभिनंदन करता हूँ। वंदना बहन सबका, और जितने आज उपस्थित हैं, जो लोग आ रहे हैं, सब नई दिशा परिवार का हिस्सा है और जो आएंगे वो भी नई दिशा परिवार का हिस्सा है। क्योंकि एक नई दिशा परिवार की एक नटसल में बताऊं कि इसकी जो थीम या उसका जो उद्देश्य सिर्फ एक ही था, मोदी सर की जबान से मैं सुनता था कि ये कोई मंच हमारा आपका नहीं है, हम सबका मंच है। और इस मंच का उद्देश्य सिर्फ यहाँ ये नहीं कि हम मंच कर रहे हैं, हम किसी कुछ दे रहे हैं, नहीं, हम सीख रहे हैं, हम सीखने की सिखाने की प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं और उसके लिए मंच बनाए। ये 14,28,000 नहीं, इवन इन भविष्य में जो भी सेलर रिसीलर या जो भी लोग आने वाले हैं, ये मंच हम सबके लिए है। क्योंकि हम सब अगर ऑन पे से परिवार के अगर हिस्सा हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस, हमारी कामयाबी क्लियर हो चुकी, डंडील हो चुकी है। हम ऑन पे से में अंदर हैं तो सिकंदर हैं, बट है क्या है कि हम वो सक्सेस के पीछे जो हमारी फेस है, हमारी पर्सनालिटी है या हम जो भी हैं, कहीं हम ऐसा ना हो डमी साबित ना हो। इसके लिए ऐसा का निजी तौर पे ये मानना है या ऐसा सोच है कि आप अपने आप को अपग्रेड करिए, आप समझिए कि हो क्या रहा और अपने आप को मेंटेन करिए। और मेंटेन के लिए सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं एक ही चीज होती है कि आपको अपनी दिमागी लेवल को, अपनी समझ लेवल को, अपनी सोच को, अपने सपनों को, ठीक, अपनी डेस्टिनी को, इनको सबको आपको कवर करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक अच्छी मेंटरशिप में, एक अच्छे एनवायरमेंट में, एक अच्छी संगत में, एक अच्छे चैनल पे, एक अच्छी विचारधारा का जहां आदान प्रदान हो रहा हो वहां पर ये सारी चीजें हो पाएंगी। आज की जो सीन है, हम लोग कितना किसको समझ पा रहे हैं सिस्टम को, अलग बात है, हालातों कितना समझ पा रहे अलग बात है, अपनी परेशानियों चैलेंजों कितना समझ सामना कर पा रहा है वो अलग बात है, लेकिन इन सारी सारी चीजों को एक ही सोल्यूशन होता है, वो बात शुरुआत होती है दिमाग से, और दिमाग का मतलब सोच से, और सोच से शुरुआत होती है और बात टिकती है सपनों पे। कि सोचना शुरू किया और सोचने के साथ साथ आप कहां तक पहुंचे, आज की रिक्वायरमेंट पहुंचे, फिर आप अपना जीवन को उद्देश्य पहुंचे, जीवन को उद्देश्य साथ में, फिर आप कुछ आपका एक एक लेवल है उसको मेंटेन करना चाहते हैं, इसके बाद में आखिरी माता सपनों। सोच से लेके सपनों तक के बीच में हमें आपको जोश, जुनून, परत्याग, एजुकेशन, मेहनत, स्ट्रगल, ये सारी सब चीजें आ जाती है। और ऐसा सब कुछ करने में, इन चीजों के लिए अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, माइंड के लिए, ये सारा चीज हमें एक चैनल चाहिए होता है, एक पैनल चाहिए होता है, और एक अच्छा एनवायरमेंट चाहिए होता है। एनवायरमेंट का मतलब एक सोच, एक विचारधारा और एक उद्देश्य पे जो हम सब लोग मिलकर काम करते हैं, वो अपना एनवायरमेंट होता है, अपना परिवार होता है, अपना कहने की कम्युनिटी होती है। ऐसा नई दिशा परिवार में हम देख पा रहे हैं। नई दिशा परिवार से संबंधित आज मैं इस कहवत को, साइन में हमने काफी कुछ डिफाइन कर दिया, विकास सर ने, मैं समझता हूँ चूंकि आप एज ए प्रेजेंटर थे, आपने सब कुछ बताया, मेरी भी सारी कहानी विकास सर के साथ हुई, चूंकि आप मेरे ब्लेसर हैं, मैं दिल से धन्यवाद करूंगा, जीवन पर्यंत आपका रेडी रहूंगा कि आप हमें ऑन पेशन परिवार में लेके आए, उसके बाद नई दिशा मंच में लेके आए, जो हम सब की एक जरूरत थी ऐसे मंच की। इसके बाद अच्छे बुरे में हर सिचुएशन में आप मेरा साथ देते हो, और आज जो भी हूं मैं विकास सर का एक बहुत बड़ा आभारी हूं, रेडी हूं, ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। उसके बाद नई दिशा जैसा मंच मिला, नई दिशा पूरे परिवार को, मोदी सर को दिल से धन्यवाद। और नई दिशा में एंट्री होने से पहले मैं एक बात करूंगा कि सरवनन गेल सर, आपने जो हमें साथ दिया था, दिल से धन्यवाद कहूंगा, वो वक्त यही समय था, आपने मुझे साथ दिया था, वो मैं भूलूंगा नहीं, जीवन पर्यंत एक एक शब्द का मैं एहसान रखता हूँ, एक एक आए प्रयास का और जो एहसान का मैं दिल से एहसान गुजार रहता हूँ। उसके बाद में जो परिवार मिला है, सायन मैम हो, संपा मैम हो, जो भी नई दिशा परिवार में, यहाँ सब लोग एक अच्छी सोच और अच्छी विचारधारा के व्यक्ति हैं। इसके बाद सब लोगों का एक सपने है और उन सपनों के लिए हम कर रहे, मेरा एक निजी तौर मानना है कि 1 से 1.5 घंटा हम लोग जो यहाँ पर देते हैं नई दिशा परिवार में, हमारी
जीवन में कुछ हो ना हो बट इतना तो जरूर है, हम कितना भी अगर इसको निगेटिव लेके जाएं, जो लोग नहीं समझ पाते उनके लिए मेरा मैसेज है कि पूरे दिन की थकावट, पूरे दिन की दिमाग की उहापोह की स्थिति, फौज पोच की स्थिति, उथल पुथल की स्थिति, जब एक घंटा हम सेशन में आ जाते हैं दिमाग मेरा रिफ्रेश होता है। जब शरीर में हम अगर दिन में दो एक दो दिन ना नहाए तो शरीर में बदबू आ जाती है, गंदगी हो जाती है, कपड़ों को ना बदले तो कपड़ों में गंदगी, इसी तरह दिमाग में भी गंदगी जमा होती है। तो ब्रेन को बात करने के लिए हमें आपको कोई ना कोई एक सेशन अटेंड करना पड़ेगा। अब हमारी पर्सनालिटी, हमें खुद को मेंटेन करना है तो नई दिशा संबंधित पर्सनालिटी संबंधित जैसे नई दिशा एक मंच चल रहा है, इसमें हमें आपको इन्वॉल्व करना। समझने वाले समझ पा रहे हैं, नहीं समझने वाले आज भी नहीं समझ पाएंगे, ना समझने वाले जीवन पर्यंत नहीं समझ पाती। बट वो कब समझ पाती, जब कोई चीज अवसर या वो समय हाथ से निकल जाता उसके बाद में लोग समझ पाते। मेरा एक निजी तौर मानना है कि किस्मत का सबसे बड़ा एक अच्छा होता है कि सही समय पर सही डिसीजन लेना और डिसीजन के साथ में एक्शन लेना, ये किस्मत का एक तोड़ होता है, यानी लक की बात होती है। जब यहाँ पर सही समय पर सही डिसीजन लेने के बाद में अगर हम एक्शन ले जाते हैं तो ये बात होती है। बहुत से लोग सोच लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, निर्णय नहीं ले पाते, बहुत से लोग निर्णय ले लेते हैं, डिसीजन पे पहुंच जाते हैं बट वो एक्शन नहीं ले पाते हैं, और कुछ लोग एक्शन भी ले लेते हैं लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं ले पाते हैं, परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, रेगुलर नहीं कर पाते हैं, और उस लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। अब उनकी एक विचारधारा या डेस्टिनी या सपना या दूरी या लक्ष्य ये नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीजें मैं कह सकता हूं कि ये नई दिशा जैसा मंच या जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से या जहां अपने आप को सिक्योर और सुरक्षित और कंफर्टेबल समझ पा रहे हैं और आपको दिल से ये संतुष्टि लगे कि हाँ या हम सही हैं, हमारे जीवन का मकसद, हम जिस सिस्टम को लेकर चल रहे हैं वो सारा हमारा क्लियर होगा, तो वहां अपने आप को आप सुटेबल पाते हैं। जब ऐसा कुछ कर पाती है तो एक दूसरे के सीखने सिखाने की प्रोसेस है। मैं मानता हूं नई दिशा परिवार में लगभग मैं स्पीकर को लेके 9-10 लोग बोल जाते हैं, अगर हर व्यक्ति की बात से अगर हमने दो दो बातें सीखी तो डेली हम 20 बात सीख जाते हैं, और 20 बात में अगर मेरे जीवन में दो नई बातें हमने प्रत्येक दिन अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करी तो कहीं ना कहीं महीना में अगर ये पॉइंट 30 बातें होती, 30 नए पॉइंट अगर हर महीने अपनी जिंदगी में डाल रहे तो मैं मानता हूं कि एक आम जेपी सिंह से खास जेपी सिंह बनने में कोई देरी नहीं लगती है, वो कोई भी इंसान हो ऐसा हम कर पाते हैं। मेरी एक बात समझ में आती है, एक छोटी सी बात है कि एक से डेढ़ घंटा हमने 24 घंटे में एक घंटा हमने अगर नई दिशा परिवार में दे दिया, इस मन में किस लिए दे दिया, अपने सपनों के लिए, अपनी परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए, या जो मुझे सक्सेस मिली है उसको हम कवरअप करने के लिए, ठीक, ये जो वैल्यू मिली है उसको कवर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, या जो मेरी जिंदगी में हम जो सपने देख पा रहे हैं या जो आगे सब कुछ देख पा रहे हैं उसको सब चीजों को समझने के लिए, क्योंकि शुरुआत हमारी होती है तो पर्सनालिटीज होती है, और पर्सनालिटी में सबसे पहले आता है ब्रेन, मेरी सोच, मेरी समझ, ठीक, एक सोच का दायरा, एक समझ का दायरा, मेरे उठने बैठने का बोलने चाली, ये पर्सनालिटी में सारी चीजें आती, सबसे पहले सोच और समझ पर डिपेंड करता है। और सोच में भी किस तरह से पॉजिटिव तो बहुत दूर जो है, सॉरी नेगेटिव तो सोच बहुत दूर चलेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव में भी कितने किस लेवल पे हम लोग जाते हैं, ऐसा सब कुछ हम ये कर पाते हैं। तो ये छोटी सी बातें और ऐसे ही छोटी सी बातें, छोटे छोटे प्रयास हमें आम से खास बना देते हैं, ऐसा मेरा निजी तौर मानना है। हर किसी इंसान में कहते ना कि हर इंसान में अपने आप में देखा जाए तो हर इंसान अपने आप में होता है, हर इंसान अपने आप में जो मान ले वो होता है, बट वो मान ले और उसको मानने के साथ उसको अचीवमेंट करने के लिए उसकी जो कीमत चुकानी पड़े उसको कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाए, वो कर गुजरने के लिए तैयार हो जाए, तो वो सब कुछ मिलने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। अगर रोकता है तो वो अपने आप में खुद है, क्योंकि जिंदगी में अगर कंपटीशन है, अगर कोई बैरियर है और अगर कोई हताश है या कोई हमें साहस है या मोटिवेशन, ये सब अपने आप से। जीवन में अपने आप को एनालिसिस करिए, अपने आप को सर्च करिए कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और आज कहाँ हैं, और वह जाने के लिए हमें चाहिए का, तो सबसे पहले अपने आप को दिल और दिमाग से बात करिए। ये सारी चीजें आती हैं और ऐसा कुछ ऑन पैसन में के साथ साथ या आम नई दिशा परिवार में कर पा रहे और देख पा रहे। ऐसा ही अभी जैसे हमारे विकास सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हमने नई दिशा जब ज्वाइन किया था उसके बाद में मेरी क्या है, मैं खुद देख पा रहा हूँ, विकास सर हम सब लोग डिस्कस करते चर्चा करते थे, विकास सर में कितना इंप्लीमेंट आया, मेरे अंदर कितना इंप्लीमेंट आया, हर किसी में आ रहा, कोई हम लोग खास थोड़ी कर रहे, बस अपनी एक हैबिट बना ली, अपना एक उद्देश्य बना लिया, अपना एक वर्क का हमने पार्ट बना लिया, अपने दैनिक दिनचर्या का इतना टाइम हमने दे दिया, किसके लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सक्सेस के लिए।
ये हमने दे दिया अपने को अपडेट करने के लिए, एक से डेढ़ घंटा वाली बात है, बस एक माइंडसेट होता है। और ये धीरे धीरे जब ये सारा चर्चा करते मीटिंग करते ऐसा करते इनको सुना उनको सुना, विचारों का दिमाग में एक ग्राफ बढ़ गया, विचारों का दिमाग में एक बड़ा भंडारण हो गया, ठीक है सोच का हो गया। और ये सारी चीजें मेरे दिमाग में 24 घंटा यही एनवायरमेंट घूमने वाला है। सक्सेस का मतलब क्या होता है, सपनों का मतलब क्या होता है, सोच का मतलब क्या होता है, जुनून का मतलब क्या होता है, प्रत्याग का मतलब क्या होता है, एजुकेशन का मतलब क्या होता है और निरंतरता का मतलब क्या होता है, ये सारी सब चीजें आने लगी। जब ये आने लगी तो ऑटोमेटिक मेरे आसपास में जो निगेटिविटी हुआ करती थी या जो कैसेस वाली चीजें थी वो अपने आप दूर होने लगी, क्योंकि मन के सोचे सोच है, मन के जीते जीत है, दिल में जीत लिया, मन में ठान लिया कि हम सही हैं, हम ब्रांड हैं, हम सॉलिड हैं और हम कामयाब हैं और हम एक इतनी बड़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का हम पार्ट हैं। तो कहीं ना कहीं आज देखा जो दुनिया में तहलका हूं उसका हम हिस्सा, हम सौभाग्यशाली हैं। ऑन पैसिव जैसा एक ब्रांड, एक पावरफुल, एक अद्वितीय, ठीक एक अकल्पनीय प्रोजेक्ट का हम हिस्सा हैं और उसमें अपने आप को ये मानते हैं, तो हम अपने आप को किस लेवल पे, किस हद को हम बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी को हम बिलोंग करते हैं, किसको हम डिजर्व करते हैं और नहीं करते तो अपने आप को अपग्रेड करेंगे, ऐसा मेरा निजी तौर पर बनना। आई थिंक मैं समझ पा रहा हूं कि ये सेशन हम एक किताब पढ़ते हैं तो एक किताब एक लेखक की एक कथनी मिल सकती है, हम एक स्पीकर को सुनते हैं तो उसकी ये कथनी मिल सकती है, लेकिन सेशन में जाती है तो 10-20 स्पीकर को हम सुनते हैं, हर आदमी में कितना भी कुछ भी बोले लेकिन एक एक दो दो शब्दों को एक नए विचारों का डेली साथ में, जब लोग नए टॉपिक के साथ में, नए होस्ट के साथ में, नए प्रेजेंटर के साथ में आती है तो ऐसा मुझे कुछ मिलता है और ये मेरे पास में मेरे दिमाग में पूरा एनवायरमेंट ऐसा माहौल बन जाता है कि जहां पर अपने आप को हम सुरक्षित पाते हैं और फिर वही नई उड़ान नए सपनों में हम अपने आप के अपने रास्ते तय कर ले तो नई ताकत मिलती जाती है। एक मेरा विचार आज का काम नहीं है, कल हमने सर्वानंद सर को सुना, संपा जी को सुना, मैंने विकास सर को सुना, मैंने जेपी सिंह को, मैंने अशोदा मैम को किसी सुना तो नए रास्ते मिल गए, नए तरीके मिल गए, फिर हमने अपने आपको अपग्रेड किया, नए सपने तैयार कर लिया, मैंने नए रास्ते बना लिया, फिर अगले दिन आए कोई समस्या आई पूरे दिन की, फिर हमने अपने आपको ब्रेन वॉश किया, एक नए रास्ते निकल के आ गए, ये करते करते आज सक्सेस की हम हिस्ट्री में जा रहे, हम सक्सेसफुल लोगों में जा रहे, हम कामयाब लोगों में जा रहे, हम आम से खास बनने की लिस्ट में आ चुके हैं। और यही है कि अपने आप में हम कोई कहे ना कहे लेकिन इंटरनली हम सेटिस्फेक्शन पा रहे हैं कि हम आप सही रास्ते पे हैं और सही लोगों के साथ में, इसलिए हम ऑन पैसिव एस सर और नई दिशा परिवार, नई दिशा मंच या ये सब कम्युनिटी को हम दिल से धन्यवाद कहते हैं और हम इसका पार्ट है तो अपने आप में प्राउड फील करते हैं। इसी के साथ में अपनी वाणी विराम देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग आते हैं, हम सबका साथ देते हैं और गंभीरता से सुनते हैं। ओवर टू संपा मैम। जी संपा मैम, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जेपी जी। इसलिए कहा जाता है सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन, क्योंकि थैंक यू, बहुत जबरदस्त बात की है आपने, बहुत बहुत अच्छा शेयरिंग रखी है अपनी, अपने जिंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाए सारे के सारे जानकारी दी है, और नई दिशा में आके कैसे हमारे अंदर एक पर्सनालिटी, अलग से पर्सनालिटी आया है वो आपने बताया, तो थैंक यू, थैंक यू। इसके लिए यही कहना चाहूंगी, जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं, आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे से आवाज आते हैं, उधर मत जाओ, उधर ना जाओ, ऐसा ना करो, तो इसके लिए बहरा बनना बहुत जरूरी होता है। तो फिर कभी ऐसा लगता है जे हम अरे पता नहीं क्या गलती हो जाएगा, तो गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है, वरना जो लोग निकम में होते हैं उनका जिंदगी तो दूसरे की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। तो हमें गलती अगर होता है तो इसका मतलब हम काम कर रहे हैं, नहीं तो जो जिसका हमें बात सुनने की आदत है वो बोल भी सकता है, ऐसा हम सुनते हैं इसलिए हम बोल सकते हैं, सुनना बहुत ही जरूरी है। तो थैंक यू जेपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं धर्म सिंह जी का हैंड इज देख पा रही हूँ, धर्म सिंह जी प्लीज वेलकम, आप आइए। मैं सबसे कहना चाहती हूँ आप भी हमसे दो चार बातें सिखाइए हमें,
अब से हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, हमारे साथ जो भी जुड़े हैं, जितने भी लोग हैं। एक बात सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यही है, हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में विश्वास है। हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, मैं जानती हूँ सब बहुत खास है, सब बहुत खास है, तभी तो हमारे साथ जुड़े हैं। तो इसलिए आप भी दो चार बातें हमें सिखाइए, हम आपके बात सुनना चाहते हैं। तो प्लीज हैंड रेस करिए सब। देखिए धर्म सिंह जी, इनके बारे में बताऊं, ये मुझे, मैं उनको नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है ये अभी ड्यूटी में है। तो ड्यूटी में रहते हुए भी वो हमसे बात करते हर दिन हैंडेस करके। तो यही होता है डेडिकेशन, यही होता है समर्पण। पूरा समर्पण के साथ अगर कुछ काम किया जाए वो जरूर सफल होता है। तो प्लीज वेलकम धर्म सिंह जी। अब माइक को अनम्यूट करें, तब तक मैं आ गए। वेलकम वेलकम सपा बहन, मुझे सादर आमंत्रित किया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। नई दिशा फैमिली को सबको अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जीवन की दिशा में सपने अहम भूमिका निभाते हैं। ये सपने ही तो हमें अपना लक्ष्य चुनने और बिना थके बिना रुके लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। ये सपने ही तो आशाओं के दो पर लगाते हैं, धुंधली ख्वाहिशों को हकीकत में बदलने की राह दिखाते हैं। राह में मुश्किलें अनेक होने पर भी ये सपने ही तो हमें हार मानने से बचाते हैं। ये सपने ही तो हैं जो कभी मार्गदर्शक, कभी प्रेरणा, कभी उम्मीद से, उम्मीद तो कभी जीतने का कारण बन जाते हैं। सपनों के पर लगातार जो व्यक्ति उड़ना सीख जाए, कामयाबियों के शिखर उनके हो जाते हैं। जो सपनों को साकार करने की क्षमता रखते हैं, जिनके सपने टूटकर भी उन्हें मुकाम तक पहुंचाया, सपने देखने का उद्देश्य पूरी तरह से समझ में नहीं आता है, लेकिन हम सपने क्यों देखते हैं इसके बारे में कई सिद्धांत हैं, जिनमें भावनाओं को संसाधित करना, यादों को मजबूत करना, समस्या का हल करना, वास्तविकता का अनुभवकरण करना शामिल है। सपने कई रूप ले सकते हैं, जिनमें चिंता वाले सपने, स्पष्ट सपने, इच्छा पूर्ति वाले सपने और बुरे सपने शामिल हैं। थोड़ी जिंदगी की इस यात्रा में सीखी यही एक सही बात, डगर कठिन हो भले ही उड़ना सदा ही हौसलों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद संपा बहन, आपने मुझे सादर आमंत्रित किया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू धर्म सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है आपके बात सुनना। बहन ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये आवाज क्यों नहीं आती है, भिन्न भिन्न की आती है। जी जी हेलो जी, जी। ये पूछ रहा हूँ कि आवाज साफ क्यों नहीं आती है, भिन्न 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 भिन्न, वो तो मैं सुन लेता हूँ। कहते कि वो कभी कभी नेटवर्क के वजह से होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा एक्चुअली आप शायद बाहर रहते हो इसलिए आपके पास ऐसे आवाज आते हैं। जब भी आप बात करते हो, आप जब तक म्यूट ना हो जाते हो तो हम बात करेंगे तो इको हो जाएगा, ऐसा होता है। तो आप जिस जगह में बैठे हो वही का माहौल कुछ ऐसा है, इसलिए
ऐसा हुआ होता है, तो फिर भी आप आते हो, हर दिन बात करते हो, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सपनों की बात की है, तो आपके लिए बहुत एक बात कहना चाहूंगी, सपने वही है जो सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखे, सपने वो है जो हमारी नींद को उड़ा दे। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना है अच्छे तरह तो आगे देखो, आगे बढ़ो। तो थैंक यू धर्म सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज मैंने पारुल को नहीं देख पा रही हूँ। यस, नहीं आई है आज, पता नहीं इसका नेटवर्क इशू होगा। राकेश मिश्रा जी प्लीज वेलकम। हाँ जी जी, और एक हैंड इज है, मैं उनको जी मैं okay, राकेश मिश्रा जी प्लीज वेलकम। मेरी आवाज आ रही है मैम? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, थोड़ी धीमे और थोड़ा लाउडली बोल सकते हैं तो अच्छा रहेगा। वेलकम जी जी जी, धन्यवाद। कहते हैं आज का टॉपिक बहुत ही एक सपनों की उड़ान की नई दिशा, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा मंच जो सब हम लोगों को मिला है कि इसे भी हम एक सपनों की उड़ान ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर जिसके पास सपना नहीं है उसका कोई अपना नहीं है, जिसके सपने हैं उसके सब अपने हैं। कहते हैं कि एक कोशिश सपनों की, क्योंकि सपने हमें कहाँ से मिलती है और कैसे आते हैं, क्योंकि सपने हमारे अपने विचारों से और हमारे अंदर से आते हैं। कहते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें सब लोग कहानियां सुनाते हैं, कोई उड़ने की सिखाता है, कोई भागने की सिखाता है, कोई खेलने की, कोई पढ़ने की, ये सारी हमें उस समय कहानियों की तरह लगती है, क्योंकि हम उस समय स्कूल में नहीं होते हैं। लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है शिक्षा। शिक्षा का मतलब क्या है? क्योंकि शिक्षा का मतलब जब तक हमारे दिमाग में ज्ञान नहीं होगा और पढ़ने के लिए कर्म नहीं होंगे करेंगे इसलिए, तो हमें सपने का कोई आकार नहीं है, क्योंकि हमने देखा पता ही नहीं मंजिल कहाँ है, तो हम कैसे जाएंगे? क्योंकि ये मंजिल की तरफ ले जाने के लिए हमारी शिक्षा बहुत ही अहम है। फिर सपनों का मतलब, सपनों का यही से हमें सपनों का मतलब समझ में आता है कि सपने कहाँ हो, कैसे हो, कितने अच्छे हैं और कितने खराब हैं, क्योंकि हमें अच्छे सपनों को अपने साथ लेके चलना है और अपनों के साथ में ही रहना हो, गलत सपनों की तरफ हमें देखना भी नहीं है। फिर सत्यता का मतलब, क्योंकि इसमें जो सत्यता दिखाई जाती है, बताई जाती है, हमें उस पर अमल करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, उन सपनों पे हमें चलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक उड़ान भरेगी जो हमें अर्श तक ले जाएगी, जो कि आज हम लोगों की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा अहम है। रास्तों का मतलब, कहते रास्ते भी हैं, हम किस रास्ते पे चले, क्योंकि इसके बताने के लिए हमें एक गुरु चाहिए। जैसे कि हमारे अभी विकास सर ने कहा था मेंटोर हो या गुरु हो या साथी हो या माँ बाप हो या अपना खुद का साथी हो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमें सही मार्ग पे जाने का मतलब समझाते हैं। हम मान लो चल रहे हैं, अगले रास्ते पे कांटा है, तो हमें कांटे के बाद में उधर सुंदर गुलाब फूल महक दिखाई पड़ रहा है कि रास्ता अच्छा है, तो हमें थोड़ा कांटे पे चल के भी आगे चलने के लिए कोई दुख नहीं होता कि दो कांटे लगेंगे, लेकिन हम आगे सही रास्ते पे जा रहे हैं तो कांटे भी छिदने चाहिए। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब आप बन रहे हैं तो आपको खींचेंगे पैर पकड़ के, वो कांटे होते हैं कि हमारे पैरों में चुभो देंगे, आप जा रहे हो, अरे रुको ना, ऐसा कहाँ जा रहे हो, बाद में कर ले। लेकिन नहीं, हमें कहते हैं ना आज करे सो कल करे सो अब। ये बात हम यहाँ इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हमें जो करना है उसे अपने सपनों की हौसलों की उड़ान बनाना है, क्योंकि हमें अगर इसको नहीं बनाएंगे तो हम चल कैसे। कहते हैं सपनों की उड़ान, जैसे मैंने अपनी जिंदगी में एक सपना देखा जो कि जरूरी है, ठंडी छाव में रहकर भी कभी कोई पेड़ नहीं बढ़ता, तपती लौ में झुलस कर ही तो आकार है बनता, जीवन की कोई सच्चाई भी तो एक पल में खुशी तो दूसरे पल में गमों की रहनुमाई है, मगर यह भी सच है कि जिस व्यक्ति ने गमों का ना महसूस किया उसे सपनों के सुख की कीमत के समझ नहीं आई। जीवन सारांश को समझना चाहिए, सुख के जीने के लिए झूठ बोलना अपनों से है और धोखा देना भी अपने आप से है। मिलती है जिंदगी तो कुछ ऐसा करना कि जिक्र तुम्हारा जाने के बाद भी रुके नहीं। अब मैं आता हूँ नई दिशा में। नई दिशा में हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो शब्द है मेरे पास उसको समझने के लिए है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारमा बनता गया। थैंक यू, ओवर टू होस्ट।
थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा आपने बात कही है राकेश जी, जो हमें ऐसा ही आगे बढ़ना चाहिए, हमारा शोध भी ऐसा होना चाहिए, बहुत सफल बनने के लिए बहुत मेहनत भी हमें करना चाहिए। आपके लिए यही बोलना चाहूंगी, इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं खुद को बदलना शुरू कर देता है, क्योंकि विचारों को पढ़ के या हमारी बातें सुन के बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चलकर उस पर कायम कर बदलाव आता है। तो इसलिए मैं हमेशा ही कहती रहती हूँ, नई दिशा के साथ कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। थैंक यू राकेश जी। अभी मैं हैंडल्स लूंगी, पहले वीर भाई ग्वालियर, उनका हैंडल्स मैंने देखा था, प्लीज वेलकम वीर भाई। अब अनम्यूट करें वीर भाई ग्वालियर एमपी। ओके, तब तक जय प्रकाश यादव जी। हेलो 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 जी, वेलकम है सबको। मैं थैंक यू। मैं क्या जल्दबाजी में, मैं क्या बाइक चला रहा था तो बाइक रोक के मैं घर पर पहुंच गया था, तो अभी बैकग्राउंड वैसे अब बस मैं सेफ हूं, बिल्कुल बोलने लायक हूं, बट हां मतलब आप अभी रोक दिया तो आप बाइक हां रोक लिया ना, बाइक रोक ली, रोक के मैंने बढ़िया आराम से मतलब मोबाइल निकाला तो अनम्यूट हो गया था, थोड़ा सा वो चला गया तो मैं थोड़ा सा, तो अभी मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, बढ़िया, मैं घर पे पहुंच गया हूँ और गाड़ी खड़ी करके आराम से मतलब मैं रूम में जाके पहुंच गया हूँ, और मैं जल्दी यही प्रार्थना कर रहा था मैं कि मेरा नाम मैंने हैंड्रेस तो कर दिया, पता नहीं जल्दी बुला नहीं ले, रस्ते में था तो मैंने कि घर पे पहुंच गया राइट टाइम पे, मेरे को वेलकम है राइट टाइम पे आपने मैम मेरे को बुलाया, बहुत 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 खुशी हुई मुझे आज, आज मैं पहली बार अपने परिवार में मैं जुड़ा हूँ, सच बता रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ ये बात मैं, क्योंकि मेरा एमपी का सबसे बड़े मेरे बुजुर्ग थे मेरे, हमारे देश मोदी जी, जिनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और वंदन अभिनंदन, और इस नई दिशा को जो देके गए हैं ना सर, मैं बहुत 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 ही उनका शुक्रगुजार हूँ, और मैं ये बात ज्यादा ना बोलते हुए मुझे क्या है छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मेरे माँ बाप ने मुझे जो सिखाया है ना, मेरे जो माँ है ना, सबसे बड़ी गुरु मेरी माँ है, मेरी माँ ने बचपन से सिखाया है बेटा किसी परिवार में जुड़ना है तो पहले बड़ों की सुनना सीखना बेटा, जिस दिन तुम बराबर बोलना अच्छे से तुम्हारे अंदर गुण वो हो तभी ही बड़ों के सामने बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना बेटा। तो मैं बस ज्यादा ना बोलती हुए मेरी माँ क्या है सीधे बताती है बेटा अभी सिर्फ बड़ों को सुनो और बड़ों की उनकी जो कई बातों को अमल में लाओ और बढ़िया आगे बढ़ो। तो मैं तो इस नई दिशा को अपना परिवार मानता हूँ, क्योंकि मेरी एमपी के मेरे सबसे मैं क्या बताऊं, मेरा जिस दिन सर का सुना था ना तो मैं 4-5 दिन तक तो मैं मीटिंग में जाना मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, बट मैं जब नई दिशा की रिकॉर्डिंग सुनता अकेले में जाके तो फिर वहां से सीखा नहीं अब जाना चाहिए, जो कि ऐसी ऐसी बातें सुन सुन के फिर ऐसा ही है, तो मुझे तो बहुत 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 ज्यादा दिल को धक्का पहुंचा था सर, मैं और सभी को बस यही ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि परिवार में रह के मैं तो बड़ों से सीख रहा हूँ, बस बड़ों का यही बहुत बहुत आपका बड़प्पन है जो आपके यहाँ मैं इतना बोल गया। थैंक यू मैम, थैंक यू, ज्यादा बोल गया हूँ उसके लिए माफ करना। थैंक यू। वीर भाई आप मोदी जी के शहर के हैं, आप हमारे भाई हैं, आप नई दिशा के भाई, हम सबका भाई है, वीर भाई आपके नाम के साथ ही भाई है, तो आप हमारे फैमिली के मेंबर हैं,
आप, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ हर दिन ऐसे ही मंडे से फ्राइडे 6:30 बजे जुड़ते रहे, और आप मोदी जी से प्यार करते थे ना, तो हम भी उन्हीं के, वो भी हमारा ही गुरु है, तो हम भी उनसे प्यार करते थे, तो हम सब भाई बहन मिलके हमारी नई दिशा का को, जो मोदी जी का सपना था, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आप जरूर हमारे साथ दीजिएगा, आप जैसे भाई की हमें बहुत जरूरत है। थैंक यू वीर भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ आते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमें हिम्मत मिलती है, हमें बहुत ताकत मिलती है। तो थैंक यू वीर भाई। अभी मैं जय प्रकाश यादव जी, प्लीज वेलकम। जय प्रकाश यादव जी, आपका हैंड इज था। अब तो वो अनम्यूट हो मेरे ख्याल से। जय प्रकाश जी, ठीक है, आप अपने आप को अनम्यूट करें, तब तक मैं किसी को बुलाती हूँ। रेनू बंसल जी को बुलाना चाहूंगी। रेनू जी प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच संपा मैम, बोलने का मौका दिया। मैं रेनू बंसल, टीम चैंपियन नई दिशा के मंच पर सभी का वेलकम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर मोदी सर का, जिन्होंने ये मंच दिया हम सबको। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी पूरी नई दिशा फैमिली का, सरमनन सर का, साहिन मैम, संपा मैम, विकास सर, जेपी सर, शशिकांत सर, राकेश सर, वंदना मैम, जिनका सहयोग सपोर्ट हमेशा हमारे साथ बना रहता है। टॉपिक बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच साहिन मैम आज के टॉपिक के लिए। बहुत सुंदर टॉपिक है, वो सभी ने बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक कोशिश सपनों की उड़ान, बहुत प्यारा टॉपिक है, सभी ने बहुत अच्छा बोला है। जिंदगी एक सफर है, बस इसको मंजिल ना समझें, अपने सपनों को आकार दें। हमारे मोदी सर हमेशा बोलते थे कि ये गोल बना कर रखें और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक करें, बस इस मंजिल को पाने की लगन में अपनों को कभी पीछे मत छोड़ देना। मंजिल तक पहुंचकर हमें अपनों के साथ ही खुशी बांटनी पड़ती है, आखिर यही तो जीवन का सारांश है। क्योंकि अपने हैं तो सपने हैं, क्योंकि हम सपने भी अपनों के लिए देखते हैं। सपने हो मंजिल तक और खुशियां हो अपनों तक, यही जीवन है। कहते हैं कि सोच जो हमें जिंदगी के हर स्वरूप में, हर हाल में प्रेरित करती है, वही है हमारी सपनों की उड़ान। सभी ने बहुत प्यारा टॉपिक बोला है, रास्ते में खो जाना आसान है, खासकर जब हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किन चीजों का पीछा कर रहे हैं, किस दिशा में जाना है। जीवन में उचित दिशा ढूंढना है तो एक संघर्ष समझिए आप, मतलब कहते हैं ना कि जीवन में उचित दिशा ढूंढना एक चुनौती है, और कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सही दिशा चुनना। हमारी गायत्री मैम हमेशा बोलती हैं कि सही रास्ते पर चलना है, अपने सपनों को पूरा करना है तो नई दिशा में आना होगा, क्योंकि यहाँ आपको सब मिलेगा, सब कुछ। यहाँ आपको साहिन मैम, संपा मैम, वंदना मैम जैसी प्यारी बहनों का प्यार मिलेगा। जब हमारे डॉक्टर मोदी सर थे तो हमें एक पिता का प्यार भी मिलता था, लेकिन आज वो नहीं है, तो आज भी उनका आशीर्वाद ये नई दिशा के रूप में हम सबके साथ में है। सरमनन सर हैं, विकास सर हैं, जेपी सर हैं, शशिकांत सर हैं, राकेश सर हैं, इन जैसे भाइयों का प्यार, दुलार, मान सम्मान हमें यहाँ मिला, जो एक संपूर्ण जीवन में होना चाहिए। बस एक माँ की कमी थी, वो भी एक नई दिशा में हमें मिली हमारी गायत्री माँ की वजह से, जो हमारी गायत्री मैम
नई दिशा में आई तो उनको सब माँ बोलते हैं, तो वो हमारी भी माँ हैं, तो वो कमी भी यहाँ वो पूरी हो गई। ये नई दिशा ने हमें बहुत कुछ दिया है, सब कुछ मिलाया, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि एक जो फैमिली में होना चाहिए वो पूरी फैमिली इस नई दिशा में है, बस इसको ढूंढने की जरूरत है। कहते हैं कि प्रेम ऐसा होना चाहिए कि चोट किसी को लगे तो दर्द मुझे हो, ऐसा प्रेम होना चाहिए। कभी आपने देखा है कि हम ऑनियन काटते हैं तो काटा उसको जाता है, आंसू हमारे निकलते हैं, प्रेम इस कदर होना चाहिए तब घर परिवार चलते हैं। आज मोदी सर नहीं है लेकिन हम सब उनकी याद करते हैं, मैंने देखा है, मैंने सबको देखा है, जो उनकी बात करता है वो एकदम भाव में आ जाता है। मैंने यहाँ ये भी देखा है कि मैं अगर मैं साइन मैम को मोदी सर की बातें सुनने लग जाऊं या वो मोदी सर की बातें करने लग जाएं, या संपा मैम है या सर्वनंद सर है, विकास सर, जेपी सर, कोई भी हो हमारी फैमिली से, तो मैं इतना ही गारंटी लेती हूँ कि वो ज्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, मैं इतनी गारंटी लेती हूँ, क्योंकि वो भाव प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि इतना प्यार वो देके गए हैं हम सबको कि हम आज भी उनको नहीं बुला पाए हैं। और ये नई दिशा, ये उसी के प्यार की वजह से यहाँ हम सब आते हैं, और हमारे जितने भी यहाँ 9 पिलर हैं, तो ये हमारे डॉक्टर मोदी सर का प्यार है जो हम एक साथ हैं आज। तो सपना देखो, अच्छा सपना देखिए, और ये नई दिशा में आते रहिए, अपना ही मंच है। हमारी साइन मैम, हमारी संपा मैम, विकास सर, जेपी सर, सभी लोग बोलते हैं ये अपना ही प्लेटफॉर्म है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। तो सपना ऐसा देखो, सपनों की उड़ान हो मेरी बड़ी, चिड़िया नहीं चील सी पहचान हो मेरी। सो थैंक यू सो मच संपा मैम, बोलने का मौका दिया, ओवर टू यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वाओ, जबरदस्त, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, बहुत अच्छा शेयरिंग किया है आपने, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शायन जी, आप क्या अवेलेबल हो, अगर कोई बात करना चाहे हमारी, देखिए हमारे, हाँ विनीश कुमार जी, प्लीज वेलकम। विनीश कुमार जी, आप अपने आपको अनम्यूट करें। यस, हेलो, वेलकम। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेट, माई सेल्फ मिस्टर बीके गुप्ता मोरैया यूपी से, आप सभी का इस नई दिशा को कनेक्ट मीटिंग में दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं, और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे, और मैं भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो हम सबको नई नई अपडेट मिल रही है। सबसे पहले उपस्थित यहाँ पर मातृशक्ति को हम बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दे देंगे, क्योंकि इतनी जिम्मेदारी होते हुए भी अपना वेस्ट कीमती समय अपने आप को डेवलप करने में लगा रही हैं, प्लस फैमिली की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए आगे बढ़ रही हैं। इसलिए सभी महिला शक्ति को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक बहन जी थी, उन्होंने बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दिया, अपने वचनों को कहा, तो नो डाउट ऑन पैसिव रियलिटी में एक ग्रेट पर्सनालिटी फैमिली है, जो हम सबको सबके हर दुख सुख में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रयासरत सिखा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि आज का जो टॉपिक है, एक कोशिश सपनों की उड़ान, सच तो ये है कि जिस इंसान की जिंदगी में अगर सपने ही नहीं है वो इंसान ही नहीं है, क्योंकि इन सपनों के बिना इंसान की पूरी जिंदगी अधूरी है। दूसरी बात, इंसान एक ऐसा जीव है, अगर वो अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को पाने के लिए कोई नया गोल सेट नहीं करता है, या उसके अपने खुद के सपने नहीं बनाता है, तो उसमें और आम जानवर में कोई फर्क नहीं है। इंसान ही एक ऐसा जीव है पूरी दुनिया में जो हंस सकता है,
खोल सकता है, अपना गोल बनाता है और उस पर काम करता है। तो वैसे भी हम जब पूरी दुनिया से यूनिक हैं जीव जंतुओं में, तो हमें यूनिक काम भी करना चाहिए और सपने इसलिए भी बड़े करना चाहिए क्योंकि जब हमारे बड़े सपने होते हैं तो वो सपने हमें काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हमें वो काम करने के लिए प्रेरित करते हैं तो हमारा शरीर भी उसी काम के अनुसार अपने आप को डेवलप कर लेता है और हम दिन प्रतिदिन एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हैबिट एक ऐसी चीज है वो सपनों से ही जुड़ी हुई होती है। उसका एक एग्जांपल देना चाहेंगे, जैसे जब हम खेत में कोई फसल बोते हैं तो आपने देखा होगा अच्छी फसल उगाने के लिए हमें खेत में कई बार जुताई करनी पड़ती है, उसमें खाद बीज डालना पड़ता है और अच्छी क्वालिटी का बीज डालते हैं, तब वो फसल तैयार होती है, फिर उसका रख रखाव करना पड़ता है। उसके बावजूद भी प्रकृति पता नहीं कब क्या कर दे, ओले पड़ जाए, बरसात हो जाए, फिर भी नष्ट होने से बचाना पड़ता है। लेकिन उसमें आपने देखा होगा जो खरपतवार होता है वो अपने आप उगाता है, उसको कोई अलग से खाद बीज नहीं जाता, लेकिन वही खाद बीज अपने आप उसमें लग जाता है। इसी तरह हमारा जो शरीर है, हम गोल क्यों बनाते हैं? अगर हम जीवन में लक्ष्य नहीं बनाएंगे, अगर हम अच्छी आदतें नहीं डालेंगे तो बुरी आदतें अपने आप हमारे अंदर आ जाती हैं, उनको डालना नहीं पड़ता है। इसलिए इंसान को अपनी जिंदगी में अच्छे लक्ष्य और अपना गोल बनाना चाहिए जिससे हम एक अच्छे इंसान बना सकें। और अपने आप को कहने से अच्छा नहीं होता है, जब आपकी नकल दूसरे लोग करने लगे तो आप समझ लेना कि मैं एक सही दिशा पर जा रहा हूं, ऐसा आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है, तो इसलिए हमें जीवन में लक्ष्य बनाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए और अपने सपनों की लिस्ट जितनी लंबी हो सके उतनी लंबी लिस्ट बनाइए, क्योंकि एक टारगेट पूरा होने पर हमें दूसरा टारगेट बना लेना चाहिए। दुनिया में इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने जो लक्ष्य बनाया है उसको पाया है। इलोन मस्क की बात करें, इलोन मस्क को दुनिया में बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री लोगों ने कहा था कि तुम जब उसने अपना रॉकेट बनाया था कि अंतरिक्ष में भेजने का कि ये वापस कभी नहीं आएगा, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और तीसरी बार में उसने अपना घर द्वार प्रॉपर्टी और जितनी प्रॉपर्टी बनाई थी और तीसरी बार में उसने ऐसा दुनिया का यूनिक रोबोट बनाया जो ऊपर जाता भी है और जाने के बाद सुरक्षित नीचे आता है। आज पूरी दुनिया की गवर्नमेंट उस बंदे को सैल्यूट करती है। ऐसा आपका गोल होना चाहिए जिससे आपको दुनिया सलाम करे, जैसे कि आज हमारे यस सर हैं, मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ ऐसे इंसान को जो आज प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। दोस्तों, पूरी दुनिया एक तरफ और हमारे ग्रेट यस सर एक तरफ, और उनका जो लक्ष्य है जीवन का कि मैं पूरी दुनिया से भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा और पूरी दुनिया के दिल में समा जाऊंगा, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे यस सर को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। मैं मैम से चाहूंगा एक बार सभी लोग उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग करें। तो दोस्तों, इसका मतलब आज हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हमारे ग्रेट लीडर पूरी दुनिया में जाने की बात करते हैं, तो कम से कम मैं अपने परिवार का सबसे अच्छा इंसान तो बन ही सकता हूँ। तो हमें दिल से सैल्यूट करना चाहिए और जीवन के बड़े लक्ष्य बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू डीके गौतम जी, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, सुपर, धुआंधार। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। आपके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, बस कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हरा वो ही जो लड़ा नहीं। क्या बात है, ग्रेट, सुपर। चुनौतियों से हम बाहर की चुनौती से नहीं,
हम अपने कमजोरियों से, अंदर की कमजोरियों से हारते। थैंक यू बीके गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं हमारी नई दिशा की एक बैक एंड हीरो शिवानंद केएल जी को बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम शिवानंद केएल जी। थैंक यू सो मच संपा मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपकी होस्टिंग बहुत शानदार आज की, लाजवाब, धन्यवाद। मैं सबसे पहले यहाँ पर मिस्टर ऐश मुफारे को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतना अच्छा हमें एक जीवन बदलाव करने वाली कंपनी हमें दी। हम सब एक दिन जरूर सफल होंगे, ये विश्वास हमें पूर्ण विश्वास है कि हम एक दिन बहुत ही जल्द, एक दिन नहीं बहुत ही जल्द है हम कामयाब होंगे। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पर डॉक्टर इदरीस मोदी को याद करता हूँ। नई दिशा हम 3-4 साल से इसे रेगुलर चला रहे हैं। मोदी जी की सपना थी कि इस नई दिशा मंच पर सबको यहाँ पर हम सम्मान दें, सबकी यहाँ पर विचार सुने, हम सब एक फैमिली बन कर रहे हैं। तो मैं, मोदी जी हमारे बीच नहीं है, फिर भी हम उनके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। उनका जो सपना था उस सपना को हम साथ लेके चल रहे हैं। इसी के साथ हम नई दिशा फैमिली के जितने भी लोग हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, और सब ने बहुत ही मेहनत की है इस नई दिशा को लगातार हम कर रहे हैं। तो इस मेहनत के लिए जितने भी नई दिशा के फैमिली के लोग हैं, शाहिन मैम, विकास जी, संपा मैम, जेपी सर, शशिकांत सर, और हमारे बीच राकेश मिश्रा जी हैं, और रेनू है, वंदना है, सबको मैं दिल से प्रणाम करता हूँ और सबकी मेहनत के लिए हम धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं हर रोज शाम को, सबको मैं अभिनंदन करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच आप लोग आते हैं, हम सीखते हैं, सिखाते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो आज का टॉपिक है नई सपनों की नई दिशा, नई उड़ान। नई दिशा हमें क्यों, क्या सिखाती है, हम क्यों नई दिशा की ओर चले। हमारे जितनी भी पुरानी आदतें हैं, हमारी जितनी भी जो हम नहीं सीख पाए हैं, हम एक नई दिशा की ओर चलनी चाहिए। हम उस जगह से, जैसे कि एक पंछी एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाती है, तो हमें कुछ नए खोज, हमें कुछ नई सीख के लिए हमें नई दिशा की ओर चलनी चाहिए। इसीलिए इस मंच का नाम रखा गया है नई दिशा। थैंक यू मोदी जी वंस अगेन। मैं मोदी जी को बहुत याद करता हूँ, जिनकी वजह से मैं भी कुछ सीख पाया, और आप लोगों के बीच मैं 3-4 साल से आप लोगों के बीच मैं यहाँ पर नई दिशा मंच पर मौजूद रहता हूँ। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है, किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा जाता है, पर जो लोग मेहनत करते हैं वो जो नहीं लिखा है उसे भी पा लेते हैं। इसी तरह जिसके सपने बड़े होते हैं वो अपने सपने की उड़ान दूसरों से पूछ कर नहीं भरते। जब वो ठान लेते हैं हम कुछ नया करना है, तो रास्ता जितना दिखे हमें वहां तक तो चलिए, कम से कम जहां रास्ता दिखता है आप शुरुआत तो कीजिए, आगे का रास्ता वहीं से नजर आएगा, आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाएगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि हमें मेहनत पर, भाग्य और किस्मत तो है, हम अपने मेहनत पर, हमारी एक नई खोज पर हमें चलना चाहिए। भाग्य के भरोसे रहेंगे तो उम्र निकल जाएगी आपकी,
अगर आप सोचें कि हमारे भाग्य में हमें अमीर बनना है तो हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। तो ये सब बातें मैंने मोदी जी से सीखा है, ये मोदी जी का ही ज्ञान है। और हमारी नई दिशा से भी हमने जितने भी लोग यहाँ पर, जितने भी हमारे दोस्त आते हैं, उन सब से मैं सीखता हूँ। तुम्हारी कामयाबी के पीछे, तुम्हारी हमारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होता है, बुरे वक्त का होता है। हम बुरे वक्त जब हमें आती है तो हम उससे कुछ नहीं सीखते हैं, हमें बुरा वक्त ही हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है, हमें नए सीखने की, एक नई उड़ान की हमें सीख देता है। पहचान से मिला काम थोड़ा समय तक ही टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज जितने भी यहाँ पर शेयरिंग रखे हैं, विकास जी प्रेजेंट, बहुत ही ज्ञानवर्धक था। थैंक यू सो मच आप सबका और नई दिशा का। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत जबरदस्त, यस बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सगनम जी, बहुत अच्छे अपने बात कही है और इतने दिन बाद बहुत अच्छा बात कही। इसके लिए आपके लिए जो बताए, आपके लिए एक कहना चाहूंगी, जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ में नया पत्ता नहीं आता है, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते हैं। हाँ, अपने किस्मत की बात कही है, वक्त की बात कही है, उसके लिए वक्त को ये भी हम कहना चाहते हैं, वक्त तू चाहे कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जो तुझे मैं बदल ही दूंगा। तो ये ऐसे आपको बातों से मुझे ऐसा लगा, तो बहुत अच्छा लगा आपके शेयरिंग। थैंक यू शरणन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और शाइन जी आप अवेलेबल हो? जी बिल्कुल शंपा मैम, यस वेलकम हमारी नई दिशा की। थैंक यू सो मच, मीठी चीनी वेलकम, थोड़ी सी मिठास अभी हमारे बीच भी डाल दीजिए। नहीं, बहुत ही जबरदस्त सेशन, मतलब कि बहुत अच्छा लगा। पहले तो थैंक यू, आपने दोबारा इनवाइट किया और जरूरत भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं सबको सुन रही थी, कभी कभी ऐसा होता है ना, बोलने से ज्यादा सुनना अच्छा लगता है, तो कभी गुड लिसनर भी बनना चाहिए, तो वो मैं हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं सबको सुनूं और सब लोग इतनी अच्छी बात कर रहे हैं। विकास सर सुपर सुपर शेयरिंग आपकी जो रही, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस था, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने उसमें हर बात को ले लिया। मतलब हमने जो नई दिशा में सीखा, जो किया स्टेप बाय स्टेप, देखिए दोस्तों विकास सर को आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि उनको इस नई दिशा प्लेटफॉर्म की जरूरत भी थी, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने एजुकेटेड हैं और टीचिंग लाइन में है, तो आप समझ सकते हैं कि टीचर्स में कितना ज्यादा डिसिप्लिन होता है, कितने ज्यादा एटिकेट्स होते हैं, हर चीज उनकी बड़ी परफेक्ट होती है जो टीचिंग लाइन में होते हैं। और विकास का जो लेवल है वो पीएचडी लेवल है और प्रिंसिपल लेवल है, तो आप समझ सकते हैं कितना कुछ मैनेज करना होता है। तो फिर भी विकास सर यहाँ पर है, कंसिस्टेंसी के साथ है, इम्प्लीमेंटेशन के साथ है, तो आज वो अपने अंदर प्राउड फील कर रहे हैं कि वो नई दिशा के साथ है। तो संपा मैम ने कहा ना, जैसी संगत वैसी रंगत, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। बहुत ही अच्छे इंसान के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, मोदी सर के साथ, आज उनकी यादों के साथ जुड़े हैं, उनकी बातों के साथ जुड़े हैं, तो वही अब आगे तक हमारे साथ चलती रहेंगी और रंग लाती रहेंगी। और बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही, मतलब मैं वर्ड्स नहीं है मेरे पास विकास सर के लिए, मैंने बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा लगता है उस दिन जो मैंने शेयरिंग में एक बात कही कि वो पिलर ऑफ नई दिशा है, तो वो बात वो मेरे मुंह से रैंडमली कहते हैं ना, कुछ कुछ निकलता है, जो रियलिटी होती है वही निकलती है, तो वो उस तरह से निकली और वो बात आज बिल्कुल विकास ने प्रूव भी कर दी। थैंक यू सो मच विकास सर फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। और इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पर आए, सभी ने बहुत अच्छी शेयरिंग करी। वीर जी ने बात करी ग्वालियर से, सो थैंक यू सो मच सर, आप जितना मोदी सर से प्यार करते हैं, हम भी उनसे इतना ही प्यार करते हैं, तो हम चाहेंगे आप रेगुलर बेसिस पर हमारे साथ जुड़े रहे। रेनू, वाओ वंडरफुल शेयरिंग थी रेनू आज आपकी, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन करके, ऐसा लग रहा था कि वाकई में हम लोग जो है ना बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं, और मोदी सर की बात से ही होती है, जाहिर सी बात है कि वो उनका यहाँ ना होना इस वक्त हम लोगों को बड़ा तकलीफ भी दे रहा है, लेकिन हम
उनकी इन यादों को आगे लेके चल रहे हैं, उससे हमें अपने ऊपर प्राउड भी फील हो रहा है कि उन्होंने हमें इस लायक बना दिया कि हम लोग जो है उनकी बातों को लेकर के आगे बढ़े। और मतलब एक अलग ही फीलिंग है, उनको हम उनको कभी भूल नहीं सकते, उनकी बातों को नहीं भूल सकते, उनका मोटिवेशन नहीं भूल सकते। बहुत अच्छा रेनु आज आपका शेयरिंग था, थैंक यू सो मच। विनीश जी, गोल सेटिंग पे बात करी सर आपने, और डेफिनेटली वी आर यूनिक, सो दैट्स व्हाई वी आर हियर, क्योंकि हम लोग नई दिशा में इसीलिए हैं कि हम ऑन पैसिव में भी इसीलिए हैं कि वी आर यूनिक। देखिए 8 बिलियन पॉपुलेशन में से अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 14 लाख लोग हैं, तो बस आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने यूनिक हैं। थैंक यू सो मच विनीश जी, और मैं चाहूंगी आप रेगुलर आए यहाँ पर और अच्छे से अपनी बात को रखें। बहुत अच्छा बोलते हैं आप, क्योंकि शायद अच्छी लीडरशिप क्वालिटी भी आपके अंदर नजर आ रही है मुझे बात करने से। और उसके बाद सर वनन जी, बैकएंड सपोर्टर, बैकएंड हीरो, इंडिया के बेल मस्तू, मतलब के बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग। और कहते हैं ना शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज देते हैं सर वनन जी, जैसे कल भी इन्होंने बहुत शॉर्ट में बात करी और आज भी बहुत ही शॉर्ट में बात करी। मतलब मैं ये जो सुन रही थी किस्मत और मेहनत में जो फर्क है, वो किस्मत में लिखा नहीं है, वो आप मेहनत से कमा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, मेहनत पर भरोसा करने का मतलब है आपके रिजल्ट जो आएंगे वो डेफिनेटली सुपर आएंगे, आप 100% अचीवमेंट ही करोगे। ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत जो है रद्द हो जाएगी, चाहे वो आपकी किसी भी, मैं हमेशा बात करती हूँ किसी भी फील्ड में, हमारे जो नई दिशा के टॉपिक्स होते हैं ना वो यही होते हैं कि किसी भी फील्ड में हम लोग अगर कुछ भी कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में हम मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट जब आएगा वो पॉजिटिवली ही आएगा। तो अगर हम ऑन पैसिव की बात करें, पिछले 4 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, जो जब से भी है, तो आप ये समझ लीजिए आपकी जो ये इंतजार है, आपकी जो ये मेहनत है, अब लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सेशन ले रहे हैं या अपने जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उनके टेक्निकल सेशंस हो रहे हैं या यहाँ नई दिशा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारा हो रहा है, तो ये सब मेहनत जरूर रंग लाएगी। आज नहीं पता चल रहा लोगों को कि हम नई दिशा में बैठे हैं, लोगों को लगता है यहाँ हमारा टाइम वेस्ट होता है, कुछ को लगता है हम यूट्यूब पे भी क्यों सुने, कोई बात नहीं। लेकिन कल को यही हमारे जो यूट्यूब पे चैनल पे पड़े हैं, आप देखिएगा लोग उठा उठा के यूट्यूब खोल खोल के देखेंगे कि कौन सा टॉपिक है और ये कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते, तो उस टाइम काम आएगी। थैंक यू सो मच सर्वानंद जी, आपकी बहुत ही प्यारी शेयरिंग थी। काम से मिली पहचान जो है उम्र भर रहती है, और वो हमें हमारे काम से मिली है, सर्वानंद जी को उनके ग्राफिक्स से मिली है, इतने प्यारे वो ग्राफिक्स बनाते हैं, हमारे पोस्टर्स बनाते हैं, उनकी एक अलग पहचान मिली। बैकएंड सपोर्टर में उनका एक नाम हो चुका है आज की डेट में हमारे नई दिशा को लेके, डेडिकेटर्स को लेके। थैंक यू सो मच। ओके, सभी ने बहुत ही अच्छी शेयरिंग की। संपा मैम तो है ही हमारी माइंड ब्लोइंग, इतनी प्यारी शेयरिंग तो करती है आज, इतनी प्यारी होस्टिंग भी की। कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते, बिल्कुल सही कहा संपा मैम आपने। और आपकी एक एक बात, जितनी भी कोटेशंस आपने बोली है बीच बीच में, आगे बढ़ना है तो क्या बहरे बन जाओ, वो कहते ना जस्ट इग्नोर करना सीख जाओ, तो बहुत ही मतलब आज जितनी भी कोटेशंस इन्होंने बोली है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो गिन गिन के, मतलब ऐसा लग रहा था चुन चुन के गिन गिन के बोली है कि किस परफॉर्मेंस पे हमें क्या बोलना है। तो ये होती है परफेक्शन, तो वी आर गोइंग टू द परफेक्शन वे, हम लोग उस तरफ जा रहे हैं, तो वो चीजें आपको यहाँ पर नजर भी आ रही है दोस्तों। तो अभी तक जितने भी लोग हमारी नई दिशा में अभी तक भी जुड़े हुए हैं, 8 बज चुके हैं, तो सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स है, थैंक यू सो मच, मुझे इतने ध्यान से आपने सुना। विकास सर ऑसम परफॉर्मेंस, थैंक यू सो मच। ये भी सर इज ऑल्सो गुड, क्योंकि वो तो हमारे धुआंधार है, मतलब कोई रह गया तो प्लीज माइंड ना करे, क्योंकि कुछ लोग तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं। जेपी सर एज यूजुअल हमेशा की तरह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप देते हैं, उनकी बातों में जोश और जुनून होता है, वो हमें भी आ जाता है। मैं मतलब जेपी सर का थोड़ा सा मैं उस टाइम नमाज पढ़ी थी तो मैं नहीं सुन पाई इतने ध्यान से, लेकिन हाँ ये जरूर है मुझे पता है कि जो उन्होंने बोला होगा वो बहुत ही परफेक्ट बोला होगा। थैंक यू सो मच संपा मैम, प्लीज ओवर टू यू, वी आर सो इनेक्टिव विद इट। थैंक यू शाइन जी। लेकिन मैं आपके लिए भी कुछ बोलना चाहती हूँ, आपके लिए ये बोलना चाहती हूँ, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से ना हार जाओ, तब तक दुनिया का कोई ताकत आपको हरा नहीं सकते। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो, तो दुनिया का कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकते। वो कहते ना एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। ये लाइन आपके लिए था, तो बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शायन जी।
लास्ट में मैं विकास जी को बुलाना चाहूंगी, आज का हमारा हीरो प्रेजेंटर विकास श्रीवास्तव जी, डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी, प्लीज वेलकम। अब दो शब्द कहे उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम, आपने पुनः आमंत्रित किया और डेफिनेटली सेशन से काफ़ी अच्छा गया और निश्चित है सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी थी। और स्पेशली क्या है कि एक जो एक मेरे द्वारा जो वक्तव्य दिए गए हैं तो उसका एक निश्चित ही एक नर्सेल में अगर बात की जाए कि सब कुछ है हमारे पास, सारी व्यवस्था है, हमारा हमारी डेस्टिनी भी क्लियर है, हमारी एक डेट भी डिसाइड है। आई डोंट नो या अभी आला मतलब हम सब नहीं जानते कि कौन सी वो डेट है, लेकिन हाँ निकट भविष्य, जैसा कि श्रवण सर ने बताया कि निकट भविष्य में वो डेट है। तो सब कुछ रेडी है, सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि जो वो रियल एंड ग्रैंड सक्सेस है उसको हमारा माइंड ग्रेस कर पाए, तो वो उस लायक हमें बनना पड़े चाहिए। और ये नई दिशा परफेक्ट एक प्लेटफॉर्म में यहाँ आना चाहिए। और मेरा सभी से पुनः फिर से अनुरोध है कि सभी लोग उपस्थिति बना के रखें, क्योंकि हमारे अंदर भी एक हौसला अफजाई आती है और एक हमारे अंदर भी एक विश्वास आता है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम सब लोग मिलकर अच्छा कर सकते हैं। और बस यही एक कारवां है, यही एक सफर है, यही एक जर्नी है, बाकी सब कुछ अच्छा हो रहा है, सारी चीजें हैं। और बने रहे नई दिशा के साथ, और ईश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, और ईश्वर आप पर कृपा करे। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो कुछ भी कर पा रहा हूँ इसमें बिल्कुल पूरा का पूरा योगदान है, श्रवणन जी का है, स्पेशली सहन मैम आपका है, संपा सरकार जी आपका है, मोदी सर का भी है, और क्योंकि आज वो नहीं है तो एक अलग ही, लेकिन उनके जो ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ वो हमेशा मुझे याद रहेंगी, जो एक सपोर्ट था याद रहेंगी। और कहीं ना कहीं आप सबके उनकी मोदी सर की ब्लेसिंग या आप सब लोगों का जो एक साथ मिला है ना, तो वो एक वो साथ क्या है, वो रिश्तों में बदला है, उन रिश्तों में जीवन में भी मैंने देखा है, देखता हूँ। तो डेफिनेटली सफर आसान है और बहुत अच्छा सुखद समय आ रहा है, तो हम सब लोग साथ बने रहे। यशोदा जी आप कुछ कहना क्या? हाँ जी, संभव है, मैं कुछ बोलना चाह रही थी। समय जी, बहुत हो चुका है, लेकिन अभी मुझे कुछ मिला है तो मैं वो सुनाना चाह रही थी। जी जी, समय है मैम जी, बोलिए ना, बोलिए ना जी। मैं भी ऐसे ही मतलब कुछ आज के टॉपिक पर ही मैं मतलब ध्यान दे रही थी, आपकी बातों पे दे रही थी और फिर कुछ ढूंढ भी रही थी, तो मुझे एक बहुत कुछ अच्छा दिखाई दिया, तो मैं थोड़ा सा रीड करना चाहती हूँ। पंख नहीं है मेरे फिर भी उड़ना चाहती हूँ, अपने सपनों की दुनिया में कहीं खोना चाहती हूँ, रंग लाएगी एक दिन मेहनत मेरी, बस यही बात सबसे कहना चाहती हूँ। पंख नहीं है मेरे फिर भी उड़ना चाहती हूँ, अपने अपनों की दुनिया में कहीं खोना चाहती हूँ, ध्यान नहीं देती कि अब जमाना क्या सोचता है, मुझे तो बस मस्त पंछी की तरह उड़ना आता है, अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, पंख नहीं है मेरे फिर भी उड़ना चाहती हूँ, अपने सपनों की दुनिया में कहीं खोना चाहती हूँ, इस दुनिया के लिए एक नया संदेश लाना चाहती हूँ, अपनी सोच को एक नई उड़ान देना चाहती हूँ, छोड़कर जमाने की फिक्र अब जीना चाहती हो, पंख नहीं है मेरे फिर भी उड़ना चाहती हो, अपने सपनों की दुनिया में कहीं खोना चाहती हो। थैंक यू संपा मैम, मुझे फिर से वाओ, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, थैंक यू यशोदा जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बात, आपकी जो कुछ लाइन आपने सुनाए ना वो सच में बहुत ही प्यारा था, उस लाइन बहुत खूबसूरत। थैंक यू यशोदा जी, थैंक यू आपके लिए और विकास जी के लिए। मैं भी ये दो लाइन कहना चाहती हूँ, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो, सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं थोड़ा सा पागल बनना पड़ता है, तुम अगर उस वक्त खुश रह सकते हो जब दुनिया तुम्हें देख के हंसती है, तो दुनिया में सबसे
पहला सुनहरे अक्षर में नाम तुम्हारा ही होगा। ये मैं कहना चाहती थी। बहुत अच्छा लगा आप दोनों की बातें सुन के, बहुत बढ़िया जबरदस्त था। थैंक यू सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रवण जी, यस यस, वाइंड अप की तरफ चले जी। वाइंड अप से पहले मैं जितने लोग यहाँ पर मैं यहाँ पर मौजूद है सबको मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। और इसी तरह मंडे टू फ्राइडे 6:30 हमारा नई दिशा का मंच आरंभ होता है। आप सबको स्वागत है, आइए हम कुछ सीखें और सिखाएं। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर से हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं सबको धन्यवाद करना चाहूंगी। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमें आपकी प्यार की बहुत जरूरत है। आप आइए हमसे कुछ, हमें कुछ सिखाइए। अगर हम कुछ अच्छा बोलते हैं तो हमसे भी कुछ सीखिए। और ऐसे ही हमें लास्ट बात यही कहना चाहूंगी, ऑन पैसिव के साथ, नई दिशा के साथ कुछ कर दिखाए, ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो सब अपने आप को अनम्यूट करें और कंपनी के स्लोगन के साथ हम वाइंड अप करते हैं। We are so in it.